गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आहिस्ता बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। अरे भाई, ये जुमले सुनते सुनते हम बड़े हो गए हैं। इतना शोर नहीं करो, पड़ोसियों को पता चल जाएगा। घर की बात घर में ही रहती थी और इधर उधर नहीं होती थी जब तक कोई खाला पड़ोस की ना आ जाए और ज़रा हाल अहवाल करने के बहाने गॉसिप सेशन ना शुरू हो जाए। तो तब अम्मा से यही कहते हुए सुना हमने बचपन से, दीवारों के भी कान होते हैं। और ये वाला जुमला हम अपने बच्चों को भी कह रहे होते, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। अम्माओं, मैं जितनी भी मेरी मैके वाली या माएँ हैं, मैं उनको बता रही हूँ कि अब कोई फ़ायदा नहीं है। दीवारों के नहीं, फ़ोन के भी कान होते हैं। अब अपना जुमला तब्दील करें, बदलें अपने जुमले को हर चीज़ की बदलने के साथ साथ, क्योंकि जो खबरें पहले आपको डर था कि खाला फूफी चाची जो आपके घर में पड़ोसन आई हैं वो आउट कर देंगी मोहल्ले में, अब ये खबरें आपका फ़ोन आउट कर देता है। भाई, वो चीज़ यहाँ होती है उधर नज़र आ जाती है, या बताई जाती है, या झूठी झूठी बातें फैलाई जाती हैं, मनगढ़ंत कहानियाँ। मुझे अच्छे से याद है, अखबार में कोई सहाफ़ी अगर गलत लिख देता था, कोई गलत खबरें होती थी, तो ये भी सुनने में आता था कि उसको जी पकड़ के मारा गया है, किसी हीरो ने उसकी कुटाई लगा दी है, या किसी हीरोइन ने उसके ऊपर FIR कटवा दी है। मगर आप क्या करें, यूट्यूब पे मेरे बेटे की मंगनी करा दी, पूछ पूछ के मुबारकबाद दे दे के सब थक गए। क्यों भाई, मुझे इतनी क्या मार पड़ी है, इतनी जल्दी क्या मार पड़ी है कि अभी इसको बड़ा तो होने दो। मतलब छोटे से पौधे को जो है मैं उससे कहूँ कि तुम फल दो हैं, तो बहुत चेंजेस आ गई हैं इस दुनिया में। अब क्या होता है कि आपको खुद नहीं पता होता कि आपकी क्या चीज़ वायरल हो रही है, आपको खुद नहीं पता होता था कि आपकी क्या कही हुई चीज़ कौन से इंटरव्यू में आपने किस मुद्दे को जहन में रखते हुए की है, क्या आपका तरीक़ेकार था कहने का। वो सारी बातें जो हैं वो एक तरफ हो जाती हैं, बीच की चीज़ जिससे मतलब कुछ और निकलता है बात का, वो निकाल के वो YouTube पे लगा देते जी, वायरल कर देते जी, इंस्टा वगैरह हर जगह आपको ही आता है, निदा यासिर ने ये कह दिया, फलाना ने ये कह दिया, हुमायूं सईद ने ये कह दिया, दान सिद्दीकी ने ये कह दिया। क्यों? क्योंकि हमें गॉसिप की आदत हो चुकी है, और हमें गॉसिप की आदत उन्हीं पड़ोसियों ने डाली। ये चला आ रहा है, ये सिलसिला चला आ रहा है, इसके बगैर ज़िंदगी का मज़ा अधूरा है। मतलब लाइक ऐसा नहीं होता कि मैंने किसी को देखा ना हो कि ओह अच्छा आहा ये हो रहा है। मतलब लाइक ये ट्विटर हो या इंस्टा हो या फेसबुक हो। अब देखिए, कुछ अरसे पहले की जो कुछ वायरल सेंसेशंस थी, वायरल वीडियोस थी, वो मैं आपसे आज शेयर करी, और आप मुझे कहेंगे कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं निधा। कितने 2019 में, हाँ 2019 में मोस्ट वायरल जो इंटरनेशनली वायरल हुई थी एक अफ्रीकन डांस वीडियो, अफ्रीकन बच्चे की डांस वीडियो। अच्छा जी, अभी हम क्या होता है ख़ास तौर पे, अब क्योंकि अच्छी वीडियोस बननी होती हैं, क्योंकि आपकी एक निशानी जो है वो फेसबुक या इंस्टा पे आ जाएगी, तो इसलिए अब बहुत हिम्मत करते हैं, पहाड़ चढ़ जाते हैं, पैराशूट पे बैठ जाते हैं, जहाज से कूदियाँ लगा लेते हैं, इसलिए क्योंकि ये अब आपकी बहादुरी दुनिया देख सकती है। पहले तो ऐसा नहीं होता था, कानों कान खबर नहीं, अम्मी ने बताया नहीं, तब तक मेरी बेटी ने ये कर लिया, मेरे बेटे ने ये कर लिया, तो पता ही नहीं चलता था ख़ानदान को। लेकिन अब ख़ानदान क्या, पाकिस्तान क्या, इंटरनेशनली पता चल जाता है। ये एक ऐसी वीडियो है पैराग्लाइडिंग की, जिसमें सारा वो जो था ना वो कि मैं अपने ख़ानदान को ज़रा शो मारूंगा या मारूंगी, वो सब निकल गए, क्योंकि जो जान निकली है इस वीडियो में। अब जस्ट इमेजिन ना, मतलब यहाँ तो इन्होंने अपने हाथ में जो सेल्फी स्टिक ली हुई है उससे ये दिखाना चाह रही हूँ दुनिया को कि देखो मैं पैराग्लाइडिंग कर रहा हूँ, लेकिन वो तो उल्टा ही चक्कर इनके ऊपर पड़ गया, और इतने सारे व्यूज़ इस वीडियो ने कमाए हैं। साथ साथ खाली मैं इंसानों की बात नहीं करी, मैं जानवरों के हवाले से भी वायरल वीडियो आपको दिखाना चाहूँगी। आपको नहीं पता होता कि आप ऐसा क्या कर जाएं, क्या वीडियो बना जाएं जो लोगों को कभी कभार अफेंड कर देती है, और कभी कभार लोग इतने खुश होते हैं उस वीडियो को वायरल करते हैं, उसकी कॉपी करते हैं, उसके मीम्स बनाते हैं। मेरा बेटा आजकल मेरे पीछे पड़ा है, मुझे भी मीम्स बनानी है, मुझे भी उसको समझ नहीं आ रही, तो छोटा है, लेकिन वो हर तरफ जब उसके बड़े बहन भाई मीम्स कर रहे होते हैं तो वो कह रहे हैं मुझे भी मीम्स बनानी है, लाइक उसको कुछ पता नहीं है वो होते क्या है। लेकिन अब मैं तो अपने शो पे उन लोगों को बुलाती हूँ जिनकी रिक्वेस्ट
आती हैं आपकी तरफ से और आप लोग कहते हैं इस स्टार को बुलाएं, उसको बुलाएं, इस ड्रामे की कास्ट को बुलाएं, उस ड्रामे की कास्ट को बुलाएं, मतलब लाइक बहुत कोशिश करती रहती हूँ कि आपके कहने पे चलूँ और जगह जगह से मुझे मैसेजेस आ रहे होते हैं भाई, मेरे प्राइवेट इंस्टा पे आ रहे होते हैं और अलग अलग जगहों पे पूरे बैनर्स लगे होते हैं दस कहें इनको बुलाएं इनको बुलाएं। तो आपके कहने पर एक ऐसी खुश नसीब लड़की मैं कहूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी अपनी जिंदगियाँ टिकटॉक पे या यूट्यूब पे या कुछ भी लाइक जिंदगियाँ लगा देते हैं, इतना हार्डवर्क करते हैं लेकिन उनकी लक उनका साथ नहीं देती और वो पॉपुलर ही नहीं हो पाते। अच्छा उसके बारे में सुना है, कौन वो? कोई नहीं जान रहा होता, लेकिन आजकल एक लड़की को हर कोई जान रहा है। वो कौन लड़की है? आइए पहले देखते हैं कि लोगों ने कितनी रिक्वेस्ट की मुझसे उनको बुलाने की और कितनी एक्सपेक्टेशन थी कि मैं उनको ज़रूर बुलाऊंगी। पहले चल के देखते हैं कि वो कौन है। हमारी तो पार्टी रोज होती है, सुबह सुबह मैं पार्टी तो कर रही होती हूँ यहाँ पे और क्या होता है, इतने मजे मजे के प्रोग्राम्स आपको दिखाती हूँ ताकि इस पार्टी के थ्रू, इस ढाई घंटे की पार्टी के थ्रू आपका पूरा दिन अच्छा गुजरे। तो आज भी यही होने वाला है, मजेदार शो होगा आप लोगों के साथ और फिर हम कहेंगे हमारी पार्टी हो रही है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। तो आज आपके साथ एक मज़ेदार शो हम करने वाले हैं और अभी जो गेस्ट मैं यहाँ बुलाने जा रही हूँ आपकी फरमाइश के मुताबिक, आपकी भी फरमाइश है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी उन्हें इन्जॉय कर रहे हैं और एक कोविड के दौर में ना एक हर वक्त करोना करोना की बातों से थोड़ा सा हट के ट्विटर और इंस्टा पे कुछ और शुक्र है कुछ ट्रेंड होना शुरू हुआ, तो उसके लिए मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई कि चलो थोड़ी एंटरटेनमेंट भी मिली और ख़ास तौर पे आजकल के ज़माने में जब हमें ज़्यादा ज़रूरत है एंटरटेनमेंट की और हंसने की और मस्तियों की। तो इसीलिए मैं आपको वो सारे पैकेजेस दिखाऊंगी जो इनको देखते हुए, इनको मद्देनज़र रखते हुए ना क्रिकेटर्स इंजॉय कर रहे हैं, ना सिर्फ सेलिब्रिटीज इंजॉय कर रहे हैं बल्कि आम पब्लिक भी इंजॉय कर रही है। मेरा रह गया अभी बनाना, तो मैं आज बनवा लूंगी ये वीडियो। आइए जी वेलकम करते हैं पावी गर्ल दरानीर। कोनिया कैसी आप? ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कुछ दिनों तक दनानी को कम लोग जानते थे, आजकल दनानी को बहुत सारे लोग जानते हैं। कैसा लग रहा है दनानी? समझ नहीं आ रही कि कैसे एडजस्ट करूँ इस स्टेज के साथ। ओवरवेलमिंग है अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स वेरी स्वीट, मजा आ रहा है बहुत ज्यादा। एंजॉय कर रही हो? बहुत एंजॉय कर रही हूं। मशहूर होने का शौक था वैसे बचपन से? सच सच बताओ। शौक ऐसे नहीं था, कंटेंट क्रिएशन के साथ साथ जब इस तरह होता गया तो मैंने कहा ये तो अच्छे मजा आ रहा है। हाँ, तो फिर अल्लाह की तरफ से हुआ। और वाओ लकी यू, आ जाओ प्लीज बैठो, बैठ के सुकून से बात करते हैं। अच्छा दनानीर बड़ा डिफरेंट और बड़ा यूनिक नाम है, मतलब जब पता चला कि पावी गर्ल का नाम जो है वो दनानीर है तो दनानीर का क्या मतलब है? दनानीर का मतलब है दौलत, इट मींस वेल्थ। ओह, और दनानीर के कितने बहन भाई हैं? दनानीर के दो बहन भाई हैं, एक छोटा भाई है और एक बड़ी बहन है। ओके, और आपने क्या, आप क्या पढ़ रही थी, अभी क्या कर रही हो? I've done my A-levels from Roots और अभी मैं universities के लिए apply कर रही हूँ। अच्छा, तो जब like पढ़ाई के बीच बीच में ये सब मस्तियाँ चलती रहती थी कि videos बना रही हो? चलती रहती है, चलती रहती है। पढ़ाई के बीच बीच में नहीं, मैं तो this is my personality when I'm at home। अम्मा अब घर पे फ्रेंड्स के साथ, दिस इज हु आई एम। अच्छा, ये तो चलता है। पहली वीडियो कौन सी बनाई थी, क्या कैसे सिलसिला शुरू हुआ ब्लॉग्स और ये सारी चीजें बनाने का? दिस वाज अराउंड अ ईयर एंड अ हाफ अगो, आई वाज इन कॉलेज, तो मुझे भी फ्रेंड्स काफी, इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ द पर्सुएशन ऑफ माय फ्रेंड्स एंड फैमिली। अच्छा, वो काफी कहते थे लाइक आई यूज्ड टू गेट क्वेश्चंस अबाउट व्हाट आई एम वेयरिंग एंड व्हाट माय थॉट्स आर अबाउट थिंग्स। अच्छा, तो उन्होंने कहा व्हाई नॉट मेक अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे लोग आपको रीच कर सके। वैसे भी तुम दोस्तों में थोड़ी सी पॉपुलर थी बात करने में और तो दे इंसिस्टेड, दे पर्सुएडेड मी और फिर आई स्टार्टेड माय ब्लॉग अ ईयर एंड हाफ अगो ऑलमोस्ट, एंड बस फिर अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज अ वेरी स्विफ्ट जर्नी, इट वाज अ वेरी नाइस जर्नी। बहुत आई लव कंटेंट क्रिएशन यूट्यूब पे एंड इस तरह के कंटेंट, सोचो ये मजेदार मस्ती वाले, खुद तुम्हारी पर्सनैलिटी मुझे लाइवली लगती है बहुत। तो शुरू जो मेरा था इट वाज ऑल अबाउट लाइफस्टाइल, माय एंटायर ब्लॉग ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम इट्स अबाउट लाइफस्टाइल, सो आई
I talk about mental health, fashion, makeup, skin care, and you know, just everything generally. जो तुम मुझे बता रही हो तो काफी mental health वगैरह तो serious topics है. Yeah. जो तुम्हारी ये वाली viral हुई है video, ये थोड़ा मस्ती वाली है कि आपने मस्ती में ऐसे बना ली. For sure. तो तुम्हें लगता है कि आप लोग serious लेंगे धनानीर को? अब उनको जब ये मेरी दूसरी साइड ऑफ द पर्सनालिटी भी नजर आएगी तो फिर देयर द बेटर जज, राइट? उन्होंने वो भी देखा, अब ये भी देख रहे हैं. कौन है घर में सबसे बड़ा क्रिटिक धनानीर का? सब सब अबू अम्मी बहन भाई सब 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 स्पेशली अम्मा. अम्मा अम्मा तो अम्मा को मैं जाके कहती हूँ, अम्मा ये देखिए इतनी वायरल हो रही है. मैंने वो तुम्हारी एक वीडियो देखी थी, तेल लगा रही है, वही तुम्हारी अम्मा? That's my mom. Oh my God, वो भी बहुत अच्छी एक्ट्रेस है भाई. Yeah, oh, mama, मैं उनसे ही तो ये सारा टैलेंट आया. हाँ. मेरा तो कोई कमाल नहीं है इसमें, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माय मॉम एंड डैड, उनसे ही सारा इनहेरिट किया. अच्छा, तो तुम लोग कोई होता है कभी कभार अम्मी अब्बू सब मिलकर भी कोई वीडियो ऐसी अपनी फैमिली के लिए बनाते? फैमिली के लिए तो हर वक्त मेरा तो फोन भरा हुआ है ऐसी वीडियो से. तुम हार्ड डालती नहीं हो, लेकिन हर कोइंसिडेंटली आपको मैं बता रही हूँ, दिस वॉज द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस सॉर्ट जो मैंने अपने ब्लॉग पे डाली, और वो भी इंसिस्टेंस के बाद के डालो, बहुत मजे किया. मेरा कोई प्लान नहीं था, अम्मी ने नहीं, फ्रेंड्स ने कहा था. अच्छा. मेरा कोई प्लान नहीं था, ये मैंने वीडियो पहले बनाई थी. कहाँ गए थे तुम लोग? हम लोग नथिया गली गए हुए थे, सारे दोस्त मिलके. हम लोग फ्रेंड्स का ग्रुप गया था, बिकॉज़ हमने फोरकास्ट देखी थी, तो फोरकास्ट पे स्नो थी, तो हमने कहा वी शुड गो एंड यू नो एक्सपीरियंस इट, बिकॉज़ बहुत मजा आता है नथिया गली में. वी वेंट ओवर द वीकेंड, और फिर हम वापसी पे एबटाबाद से आ रहे थे, तो ये एबटाबाद के रास्ते में वीडियो बनी थी. हम रुके थे फॉर फूड. अच्छा. तो वी स्टॉप द कार एट द साइड, हमने रुके, ढाबा था वहाँ पे, वो बहुत खूबसूरत. कितने दिनों पहले बनाई थी वीडियो? कुछ ही दिन, लाइक 15-20 डेज अगो, ये इसी तरह. अबे फौरन ही डाल दी थी? फौरन नहीं डाली थी, थोड़े टाइम बाद, बिकॉज मेरा इरादा तो नहीं था ना डालने का, ये तो मैंने अपने लिए ही बनाई थी, फ्रेंड्स के लिए बनाई थी वीडियो, अपने ग्रुप के लिए. फिर वो उनको सबको, फ्रेंड्स को मैंने ग्रुप में भेजी, उनको इतनी पसंद आई, उन्होंने कहा ये तो डालो, क्या कर रही हो? आई वाज लाइक क्यों? उन्होंने कहा डालो, बस डालो. बल्कि एक काम करते ना, हम अभी मोबाइल नहीं, हम चलो ऐसे ही करते हैं, ठीक है? हम कैमरे से ना, हम दोनों, ठीक है, तो अगर कुछ क्रिएट करोगी तो क्या एक्स्ट्रम पोर क्रिएट करोगी मेरे साथ, क्या कर सकती हो इसी इसी वाली चीज को, हम किस तरह मोल्ड कर सकते हैं? अच्छा. हाँ. ये मैं हूँ. हाँ. ये निदा ऐसे के शो है. हाँ. और ये हमारी पार्टी हो रही है. ओके, डन. तो अब हमारे जो कैमरा मैन है, अब उनके ऊपर है, उन्होंने हमें एज अ मोबाइल ट्रीट करना है, और यहाँ हमारी पार्टी हो रही है, ठीक है? तो आपने वैसे ही जैसे उसमें था, लाइक वीडियो में पहले इनका क्लोज था, और वो वैसे ही कैमरा हिलना चाहिए जैसे मोबाइल हिल रहा है, ठीक है? हाँ, आप रेडी करेंगे मुझे तो मैं धनानीर को रेडी करूँगी. रेडी, गेट सेट, गो. ये मैं हूँ, ये निदा यासर का शो है, और ये हमारी पार्टी हो रही है. पार्टी पे लॉन्ग आना चाहिए. हमारे डायरेक्टर ने सही से गौर से नहीं देखा. आ जाओ. थैंक यू. बहुत उन्होंने कोशिश की है, हम बाद में वीडियो मोबाइल से बनाएंगे. मोबाइल से बना लेंगे. अच्छा, तो क्या रूटीन होता है धनानीर का, क्या करती हैं? मतलब लाइक कॉलेज वगैरह तो अभी ऑनलाइन है ना जाहिर. या तो क्या रूटीन होता है, क्या करती है? अभी तो खैर आई एम डन विद माय ए लेवल्स, राइट? तो अभी तो आई एम अप्लाइंग टू यूनिवर्सिटी, सो आई एम एट होम, तो इट गिव्स मी मोर टाइम टू फोकस ऑन माय कंटेंट क्रिएशन. ऑन टिकटॉक पे हो? टिकटॉक नहीं, टिकटॉक नहीं बनाती, नहीं, आई एम नॉट ऑन टिकटॉक, बट आई एम ऑन इंस्टाग्राम एंड आई एम ऑन यूट्यूब एंड ट्विटर एज वेल. अच्छा, किस दिन बनाई थी वीडियो और किस दिन लगाई थी वीडियो और वायरल किस दिन? लगाई तो मैंने आई थिंक अराउंड 12 डेज अगो, 13 डेज अगो लगाई थी. हाँ. और उसे कोई 15 मतलब एक 10 दिन पहले बनाई थी, और फिर उसके लाइक एक 10 दिन बाद लगा दी, विच वाज लाइक 12-13 डेज अगो, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं नंबर. सो या, इट्स बीन 12-13 डेज. या, और फिर एकदम वायरल लगाई, और पहले तो इंस्टाग्राम पे, और फिर वहाँ से किसी ने ना स्क्रीन रिकॉर्ड करके फेसबुक के किसी पेज पे लगा दी. ओके. तो बस वहाँ से फिर इट फ्लू और शुरू हो गया, फिर ट्विटर, स्नैपचैट, हर जगह. और अब तो इंटरनेशनली वायरल हो गई. कल रात को देयर वाज दिस ह्यूज इंडियन एक्टर जिन्होंने, आई हैव बीन लाइक अ फैन ऑफ हिज, सिद्धार्थ मल्होत्रा, उन्होंने रीपोस्ट किया था. ओए, अच्छा, वो अभी तक मैंने नहीं देखी वो. या, इट वाज ह्यूज फॉर मी. ओ ग्रेट, जबरदस्त. तो अच्छा, धनानीर को एक्टिंग का शौक है? कुछ ऐसे वाले जरासीम एक्टिंग के हैं? अपनी हद तक, घर की हद तक है, लेकिन वैसे प्रोफेशनली. कैसे घर वालों की तरफ से, अगर तुम्हें लाइक इतनी वायरल हो गई है, क्या पता तुम्हें एक्टिंग की ऑफर हो जाए, तो तुम्हारे घर वाले राजी होंगे? ऑफर्स का तो है, लेकिन
रजामंदी का थोड़ा सा मसला है. थोड़ा पेशावर से हो तुम? हाँ जी, पेशावर से. तो खानदान वाले थोड़ा सा है. उन्होंने हमें बताई हुई, हमारी हदूद बताई हुई है. हाँ. उन्होंने कहा है कि आप ये करो ये करो, और फिर लेकिन थोड़ा सा मीडिया इंडस्ट्री में उन्होंने कहा है कि ये आपने इतना इतना, हाँ, इतना, इतना ठीक है. हाँ. इससे आगे क्या बनना चाहती है धनानी बड़े होके? मतलब लाइक अभी तो ये लड़कपन के दिन है ना. हाँ. जब मैच्योरिटी में क्या सोचा है, क्या ख्वाब है धनानी? CSS ऑफिसर इंशाल्लाह. ओए होए होए, पढ़ाई में अच्छी हो कि बस उस पढ़ती हूँ? हाँ, मेहनत करती हूँ. जब पढ़ना पड़ता है तब पढ़ती हूँ. हाँ. हाँ तो अब अब्बू अम्मी ज्यादा हेल्पफुल किस चीज में है? हर चीज में. हर चीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह. मैं आपको बताऊँ, इन ऑल ऑनेस्टी, यहाँ मैं बैठी हूँ ना, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देम. पता है, उनकी सपोर्ट, उनकी अप्रिसिएशन. अच्छा, घर में सबसे बड़ी हो? नहीं, आई एम द मिडिल वन. ओके, तो तुम्हारी बड़ी बहन भी साथ आई है. हाँ जी. भाई, आपने धनानीर की जो बहन है उनको वीडियोस में हमने देखा है. हाँ जी जी जी. ओके, तो अभी हम पॉइंट आउट भी करेंगे ना, हम दोबारा से वीडियो चलाते हैं, तो तुम मुझे ये बताओ कि वीडियो की आवाज़ आप नहीं खोलिएगा, आवाज़ जो है वो धनानीर की आएगी और वो बताएगी कि उसकी बहन कौन सी वाली है. ठीक है, वो जो तीन वाली वीडियो है, तीन वाली वीडियो में जो एक तीन वाली वीडियो है जो आप लोगों ने चलाई थी. ठीक है, जो बाद में बनाई है दना, नहीं ये नहीं, दूसरी वाली एक रेड बैकग्राउंड था, आई गेस, और व्हाइट और रेड शर्ट्स पहनी है उसमें. तो मुझे जरा दिखाएं वीडियो. अभी सब ढूंढ रहे हैं, लाइब्रेरी में ढूंढ रहे हैं कौन सी. तो वो दिखाइए, फिर हम इनकी बहन को भी बुलाएंगे यहाँ, उनसे भी बात करेंगे. हाँ जी, मिली, नजर आई? ओके, ढूंढ रहे हैं वो लोग. तो कितना फर्क है तुम दोनों बहनों? एक साल का फर्क है. झगड़ा होता ज्यादा या दोस्ती होती है? ऊपर तले की बहनों में होती है. हाँ, क्योंकि इतना गैप नहीं है ना. हाँ. तो दोनों होती रहती है. जब लड़ाई होती है मुझे कहती है मैं आपसे बड़ी हूँ, मेरे से तमीज से बात करें. वैसे फ्रेंड्स होते हैं तो एक जैसे होते हैं. आप देखिए, ये वीडियो हम दिखा रहे हैं बगैर आवाज के, तुम मुझे बताना पॉइंट आउट करके तुम्हारी बहन कौन सी है. अच्छा देखो, ये तो तुम हो. ठीक है, ये राइट पे जो है, राइट पे जो सबसे आगे. ओके, आप दिखाओ पूरी वीडियो ताकि हम गौर से, अब धनानीर से हटके हम धनानीर की बहन को देखते हैं. हाँ जी, वीडियो प्ले करो प्लीज. उन्होंने पॉज कर दिया ना कि लोग देख ले, और वो उसका पॉज भी ओ वाले. या माय गॉड. हाँ, अच्छा ठीक है, हम जब वो आ जाती फिर हम प्रॉपर दिखाते. अब अपनी बहन का नाम तुम प्रोनाउंस करो. मैं बड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ कि मुश्किल नाम है तुम्हारी अम्मा अब्बा ने रखे हुए. नफायल. और छोटे भाई? नोफल. नोफल. तुम्हारी अम्मी ने जो है ना, या अब्बू ने, बहुत मेहनत की है ढूंढने में. मुझे लगता है पूरे लाइक साल वाल लगाया है. अच्छा खासा टाइम लगाया था. नफायल. आइए धनानीर की बहन नफायल को वेलकम करते हैं, बड़ी बहन को है ना? बड़ी बहन. हाय, अस्सलाम वालेकुम. तुम तो कितने मिलते हो? अच्छा, तो ये है नफायल. और कंटेंट कौन डिज़ाइन कर रहा होता है? तुम्हारा इंस्टा अलग है, इनका अलग है, तो तुम लोग कुछ मिल के भी डिज़ाइन करते हो? एब्सोल्युटली. आई थिंक जीना माशाल्लाह इज द, जीना हम प्यार से कहते हैं. अच्छा, ओहो, निकनेम जीना. अच्छा, जीना इज माशाल्लाह द क्रिएटिव जीनियस इन द फैमिली. अच्छा, ऑल द क्रिएटिव डायरेक्शन, ऑल द क्रिएटिव आइडियाज कम फ्रॉम हर. तो फिर मैं इसको कोशिश करती हूँ कि प्रोडक्शन में हेल्प करूँ, थोड़ा सा जितना ईज कर सकूँ मैनेजमेंट में, इन चीज़ों में. हाँ, मैं इसको सपोर्ट करती हूँ. सारे लॉजिस्टिक्स ये देखती है. एवरीथिंग, एवरीथिंग. अच्छा, मैंने तुम्हें गाते हुए भी सुना ना, मैं जब तुम्हें सर्च कर रही, बड़ा एक बहुत क्यूट सी एक वीडियो थी जिसमें मोमबत्ती जल रही थी और तुम गिटार भी बजाती हो. यूकेलेली बजाती है, माशाल्लाह. है ना? Yeah. तो कुछ सुनाओ ना यार. सुबह सुबह गाना था. कोई भी सुना दे जो आपने ब्लॉग में गाया अभी. आई थिंक जो नेजम चेक का था कोई, पता नहीं कौन सा, आई डोंट नो. बड़ा सूदिंग सा कैनल के. आई डोंट रिमेंबर. ये गाना पन है गाते अली सेठी ने जो गाया. एक मिनट, वो वाला गाती हूँ. मुझे क्लासिकल गाने बहुत पसंद है. हाँ हाँ, अच्छा लगेगा. ये हवा, ये रात, ये चांदनी, तेरे एक अदा पे इंसार है, मुझे क्यों ना हो तेरी आरज़ू, तेरी जुस्तजू में बहार है, ये हवा, ये रात, ये चांदनी. ओह ग्रेट. तुम्हें भी गाना आता है?
नहीं नो नॉट एट ऑल हमारी सारी फैमिली म्यूजिकली टैलेंटेड है काफी माशाल्लाह माय मदर सिंग्स जीना सिंग्स घर में बड़ा मजे का महफिल है हां जी जब भी सारी फैमिली इकट्ठी होती है इट्स ऑल अ रियली ब्यूटीफुल टाइम एवरीबॉडी इज सिंगिंग एवरीबॉडी इज देयर लेकिन आई एम द वन हु डज नॉट नो हाउ टू सिंग तो तुम सारी चीजें अरेंज कर रही होती होगी है ना या तो सब बैठे हुए हैं शी इज द मैनेजर ऑफ एवरीथिंग एंड सब कुछ आई एम इनटू स्टडीज अ लॉट मैं बाहर होती हूं अच्छा जी तो मैं कहां होती हूं अमेरिका में होती हूँ और आई एम डूइंग माई अंडर ग्रेजुएट फ्रॉम देयर और पिछले चार सालों में आई हैव लिव्ड इन 8 डिफरेंट कंट्रीज कहाँ कहाँ आई स्टार्टेड इन यू एस ए फिर मैं गई साउथ कोरिया फिर मैं गई जापान then I went to Berlin, Germany, haan. then I went to Buenos Aires, Argentina, then I went back to Akele? San Francisco, yeah. Oh my God, बहादुर लड़की. She left home at 17. लेकिन क्या तुम्हें discover करना था कि मैं ज़्यादा अच्छा पढ़ाई कहाँ कर सकती हूँ? नहीं क्या? जो मेरी university है ना Minerva Schools, उसमें essentially we do every semester in a different country around the world. तो मैं अपने पूरे cohort के साथ travel करती हूँ. कितना मज़ा आता होगा. It's pretty nice. मुझे ऐसे पता होता कि ऐसी मतलब मेरे ज़माने में तो ऐसी पढ़ाइयाँ होती नहीं वरना मैं तो पढ़ती रहती मॉर्निंग शो नहीं जितना शौक है ट्रैवल करने का तो तुम्हें भी इस तरह अपनी बहन की तरह शौक है ट्रैवल करने का ट्रैवलिंग का बहुत शौक है लेकिन मैं अम्मा से इतनी अटैच्ड हूँ ना कि अगर मैं जाती हूँ तो थोड़ी देर के लिए फिर वापस लाइक इसका तो होता है ना शी स्टेज बाहर शी लिव्स अब्रॉड आई कैन स्टे फॉर टू लॉन्ग आई गो फॉर वाइल फॉर एन एजुकेशनल ट्रिप और समथिंग लाइक दैट एंड देन आई कम लेकिन अम्मा की वो लाडली वाली ना जिस तेल भी अम्मा से लगवाना वो वाली चीज मम्मा की फेवरेट भी है ये क्या चीज मम्मा की फेवरेट भी है ये मम्मा डजंट एडमिट इट बट ऑल ऑफ अस नो कितना टाइम सोशल मीडिया पे सर्व करते हो तुम लोग देखते हुए और दूसरे कौन है क्या हो रहा है हम लोग कोशिश करते हैं कि अपना स्क्रीन टाइम रिस्ट्रिक्ट करें बिकॉज ऑनेस्टली रिसर्च शोज इट्स नॉट गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ स्पेंड सो मच टाइम ऑन योर फोन ये देखो इतनी पढ़ी लिखी बहन है तो दूसरी बहन को तो अच्छा असर पड़ेगा ही ना लेकिन रिसेंटली आई हैव टू एडमिट हमारा स्क्रीन टाइम skyrocket kar gaya because obviously we have to you know keep up with everything that's happening jo recreations ho rahi hai aur koi hai jinko tum log pasand karte ho social media pe ki yaar inke bahut mazey ke content hote hain aur koi aisa hai tum dono ka common koi a lot of my friends like alhamdulillah I'm friends with all of the blogger community in Pakistan aur un sab ka hi content mujhe itna pasand hai koi tum logo ka jo favorite ho ke bhai इन लोगों का तो कंटेंट बहुत ही एंटरटेनिंग है वलिया एंड फैजान है ना देयर माय फेवरेट आई थिंक मेरे लिए पतंगीर अंतल एंड फहद वो दे ट्रैवल ब्लॉगर्स क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है एंड दे दिस अमेजिंग कपल दे हैव दिस कंपनी कॉल्ड पतंगीर एंड दे क्रिएट इनक्रेडिबली लाइक इंफॉर्मेटिव कंटेंट सोशल मीडिया के थ्रू आपको बहुत सारे टैलेंटेड लोगों के बारे में जानने का मौका मिल जाता है और बहुत सारी चीजें देखने का मौका मिलता है मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ जो दोनों बहनों ने इकट्ठे बनाई है और अब तो अपना नाम रिपीट करो बहुत मुश्किल से आपको याद हो रहा है आपकी बेटियों का नफायल 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 दनानी का मतलब है दौलत दौलत और नफायल का मतलब क्या सहरा की बादे नसीम सहरा की बादे नसीम सहरा की ठंडी हवा ओ माय गॉड पहली दफा मैंने पेशावर वालों की इतनी अच्छी उर्दू देखी है इंग्लिश भी अच्छी उर्दू भी अच्छी एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं ब्रेक के बाद हम आपको बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलाएंगे जो सोशल मीडिया के थ्रू ही वायरल हुए हैं और बहुत सारे लोगों को आप भी नहीं जानते हो लेकिन वो कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जो दूसरों से बहुत डिफरेंट है ठीक है ना आप एक छोटे से ब्रेक के बाद चलते हैं हमारे साथ हैं पावरी गर्ल अपनी बहन नफायल के साथ ये मुझे याद हो गया गुड मॉर्निंग पावरी और ये यही रहिए ढाई घंटे तक इंजॉय करें वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान हमारी पावरी ओली ये पार्टी को पावरी मैं खुद अटक रही हूँ हमारी पावरी हो रही है गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ढाई घंटे तक की कोशिश करती हूँ कि मैं आपको वाकई इसी तरह का माहौल फराहम करूँ कि पूरा दिन अच्छा गुजरे है ना हमारे हमारे पास दना नीर और तुम्हारा नाम तो याद हो गया और नफायल परफेक्ट देखो नफायल है फाइल नहीं ये दोनों हमारे पास मौजूद हैं अच्छा आई डोंट नो लोगों को पता नहीं क्या मसला होता है जब कोई मशहूर होना शुरू होता है या तो वो जल जाते हैं या तो वो भुन जाते हैं और वो कंपैरिजन शुरू कर देते हैं देखें निदा ने उनको बुला लिया उनको नहीं बुलाया ये लड़की इतनी मशहूर हो गई है वो जो पढ़ कर आई है वो मशहूर नहीं हुई है तुम्हारे हालांकि तुम्हारा कोई कसूर नहीं था यार तुम लाइक तुमने एक वीडियो बनाई वो वायरल हुई और वो हिट हो गई फिर
कुछ दिनों बाद एक बहुत ही बहुत अच्छी बात हुई कि हमारी लड़की पाकिस्तान की लड़की दुनिया में से टॉप किया ACCA में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, और बहुत अच्छी बात थी। लेकिन लोगों को मतलब बहुत सारी चीज होती है जो कंपैरिजन नहीं होता, वो अलग ये अलग, तो लोगों को पता नहीं क्या तकलीफ होती है। जो लोगों ने इस तरह कंपैरिजन किए वो मैं आपको दिखाती हूँ, जरा आइए चल के देखिए। मुझे तो हमेशा मैं इतना प्राउड फील करती हूँ कि पाकिस्तान की किसी भी लड़की को मौका मिले आगे बढ़ने का, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर क्या होता है, बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि जो मुर्गी की टांग है वो बेटे की प्लेट में डाली जाती है। और मैं ये सर्टन क्लासेस की बात नहीं करी, मैं मासेस की बात करी हूँ कि वहाँ ये होता है, और ये आप इस बात पर मुझसे मुत्तफिक होंगे। तो यहाँ जब भी कोई लड़की के हिस्से में कोई इस तरह की बात आती है तो मुझे बहुत खुशी होती है, और इसीलिए मैं अपने शो में बुलाना चाह रही हूँ उसी लड़की को जिसने पूरी दुनिया में अपने माँ बाप का और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। जी तो एक दफ़ा फिर मैं एक और बच्ची के लिए बहुत फख्र महसूस कर रही हूँ, और इसीलिए मैं उनको एज ए सेलिब्रिटी गेस्ट अपने शो पे इनवाइट कर रही हूँ। आइए वेलकम करते हैं ACCA की टॉपर, पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली ज़ारा नईम। आज तो मेरा शो खूबसूरत लड़कियों से भर गया है, माशाल्लाह हर तरफ प्यारी प्यारी सी बच्चियां एंड इंटेलिजेंट, ये ब्यूटी एंड ब्रेन्स एक साथ हमारे सामने है। ज़ारा तुम्हें माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। वैसे तो तुम्हें बहुत लोगों ने मुबारकबाद दी होगी, हमारी तरफ से, मेरे पूरे पाकिस्तान की तरफ से तुम्हें बहुत थैंक यू सो मच। तो ज़ारा मतलब हम यही सोच रहे थे कितना पढ़ना पड़ता है यार टॉप करने के लिए, क्या बचपन से पढ़ाकू ज़ारा थी? हाँ जी, बचपन से मैं पढ़ाकू जा रही थी। हाँ। लेकिन डेफिनेटली पढ़ना तो बहुत पड़ता है। हाँ। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जिंदगी जीना छोड़नी पड़ती है। तो जिंदगी जीती हैं आप? बहुत शौक से। आप बिल्कुल दनानी की तरह कभी वीडियो बनाती हैं, कोई मस्ती करती हैं, लाइवलीनेस ये है जिंदगी में? मस्ती उतनी नहीं है। हाँ। लेकिन दूसरी एक्टिविटीज मेरी काफी ज्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक है। अच्छा, ट्रैवलिंग? हाँ, ट्रैवलिंग, खाने पीने, नए रेस्टोरेंट्स खुलेंगे तो मैं जाऊंगी, दोस्तों के साथ मिलना एवरी वीकेंड, और जब पढ़ाई करके बस हो जाती है फिर दो दिन में किताबों की शक्ल नहीं देखती। ओए हाय। अच्छा, तो बचपन से ही मतलब पोजीशन होल्डर रही हो अपने स्कूल वगैरह में? बिल्कुल, हमेशा से, नर्सरी से? नर्सरी से फर्स्ट आती थी। तो ये वाला जो हमेशा, जैसे तुम्हारे अम्मा अब्बा तुम्हें अप्रिशिएट करते हैं जो तुम्हारा टैलेंट है आगे लेकर आने में, तो अम्मा अब्बा का बड़ा हाथ होता है कि बच्ची पढ़े, या बच्ची को खुद ही शौक था? मुझे शौक भी था, और आहिस्ता आहिस्ता फिर उनकी एक्सपेक्टेशंस डेफिनेटली बिल्ड हो गई, उन्हें था कि ये खुद ही कर लेगी। कभी उन्होंने ज़ारा के और कितने बहन भाई? मेरी दो बड़ी बहनें हैं, वो भी तुम्हारी तरह ही ऐसी इंटेलिजेंट और पढ़ाकू बच्ची। हाँ जी, माशाल्लाह मेरी बड़ी बहन मास्टर्स है और उसने भी स्कॉलरशिप पे पढ़ा था, और दूसरी बहन मेरी गोल्ड मेडलिस्ट है, उसने बैचलर्स इन बिजनेस किया। ये तो मुझे तुम अपनी अम्मी से पूछ के बताओ कि उन्होंने तुम्हें खिलाया क्या है, रिलैक्स की जगह खिचड़ी की जगह क्या खिलाया? बस उन्होंने दुआएं बहुत की हैं, उनकी दुआएं हाँ। जो हैं उनकी वजह से ही बस कुछ खिदमत हम करते हैं, तो हाँ। उनके दिल से जो दुआएं निकलती हैं तो मेरा हाँ। तो मानना है उसी वजह से। अच्छा, घर का माहौल कैसा था? बचपन में तुम लोग बहुत पढ़ाकू टाइप इस टाइप के बच्चे थे, अम्मा अब्बा बहुत ज़्यादा फोकस करते थे कि बच्चों के पेपर हो रहे हैं तो यहाँ नहीं जाना वहाँ, इसी तरह? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम लोग आर्मी फैमिली से, आपको पता हर कुछ अरसे बाद आपको शिफ्टिंग करनी होती है, उसमें तो पढ़ाई भी बड़ी डिस्टर्ब बहुत होती थी, और हमेशा ऐसे होता था कि पेपर से एक महीना पहले शिफ्टिंग हो रही होती थी। माय गॉड। और फिर हम लोग सबके घरों में घूम रहे होते थे, चलो इससे कॉपीज ले लें, इससे सिलेबस पूछ लें, टीचर्स को तर ले मेते कर ले, हम लोग की हेल्प कर दें, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह आई गेस वो आदत इतनी हो गई थी कि इतनी मुश्किल नहीं होती थी। अच्छा, तो तीनों बहनों में सबसे ज्यादा अच्छे ग्रेड्स किस बहन के आते थे?
ये तो बताना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। क्या बताते हैं? आई थिंक मेरे तुम्हारे बिल्कुल हाँ? और उनको देख के तुम्हें ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती होगी ना कि भाई बड़े बहन भाई आइडियल होते हैं। डेफिनेटली उनको जितना ज़्यादा उन्होंने एक्सेल किया था अपनी पढ़ाई के अंदर हाँ. तो मुझे वो देख के मैं इंस्पायर होती थी कि मतलब इतना अच्छा लगता है उनको देख के कि मेरी बड़ी बहनें दे डूइंग सो गुड स्कॉलरशिप्स पे पढ़ रही हैं ये अचीव कर रही हैं तो मेरा खुद से दिल करता था। अच्छा खुद ही पढ़ती रहो या कभी ट्यूशन लिया या अम्मी अबू से हेल्प लिया है कभी? नहीं डेफिनेटली अगर मुझे मुश्किल कोई पेश आती थी अम्मी अबू से हेल्प लेती थी हाँ. मैं लेकिन ट्यूशन वाला कोई मैंने नहीं किया। मैं अपने घर में बच्चों को जाके बताऊंगी ना कि ये बेटा ऐसे करो ऐसे करो ये वाली चीज़ वैसे बचपन से ही होती है। तुम दोनों में पढ़ाई में कौन अच्छा है ज्यादा? हमारा भी यही सीन है हम भी फ्रॉम द सेम आर्मी बैकग्राउंड तो हमारा भी कुछ ऐसे टाइम बाद शिफ्टिंग का होता था तो यही सिलसिला होता था कि हम आई कुड रिलेट टू ज़ारा स्टोरी सो मच। कोई शिफ्टिंग एग्जाम से पहले शिफ्टिंग और फिर आधा घर पैक है आधी बुक्स इधर है आधी बुक्स उधर है फिर रनिंग आफ्टर रिसोर्स कोने में बैठ के तैयारी कर रहे हैं सो या आई कुड टोटली रिलेट टू हर। अच्छा जो खानदान की जो शादियाँ होती हैं उसमें जो है वो जाहिर है आगे आगे रहना पड़ता है तो तुम लोग जाके जरा होते ना कि भाई धनानीर को बुलाओ नफाई को बुलाओ जरा वो रौनक लगाएंगी कुछ ऐसा सीन होता है या तुम्हारे साथ भी जारा की होता है कि तुम नहीं जी मैं तो नहीं आ सकती मेरे एग्जाम हो रहे हैं क्या सिनेरियो है? मैं तो कभी भी शादियां मिस नहीं करती नहीं, कोई भी इवेंट मिस नहीं करती एग्जाम से एक दिन पहले। जारा किताबी कीड़ा नहीं है भाई? नहीं नहीं नॉट एट ऑल। ग्रेट। तुम लोग मेरा तो ये है इफ आई हैव टू वर्क फिर मेरी दुनिया इज ओनली वर्क। अच्छा आई हैव एनीथिंग इफ आई हैव अ वर्क कमिटमेंट क्योंकि मैं साथ दो जॉब्स करती हूँ और पढ़ाई भी करती हूँ तो इफ आई हैव वर्क देन आई हैव नथिंग। सारी मेहनती बच्चियाँ यहाँ मेरे सामने बैठी हुई हैं मुझे तो कुछ हो रहा है कि मैं दोबारा से अपनी जिंदगी शुरू करूँ और मेहनत करूँ। अच्छा तो दना दी तुम रौनक लगाती हो शादी में जाके तुम्हारी तो आवाज़ भी इतनी अच्छी है। जीनास माशाल्लाह द लाइफ ऑफ एवरी महफिल माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त। अच्छा अगर मैं ज़ारा से पूछूं कि पढ़ाई के अलावा क्या सोचती है क्या टैलेंट ज़ारा के अंदर है कि लाइक फिल्में देखने का शौक है हॉबीज़ क्या है ज़ारा की? मेरी हॉबीज़ सीजन्स देखने का शौक है वो लेकिन वो टाइम पास के लिए जब मुझे रिलैक्स करना हो पढ़ाई के बाद अदरवाइज अदर देन दैट मैं स्विमिंग हो गई हॉर्स बैक राइडिंग हो गई शूटिंग हो गई मुझे रेंजेस पे जाने का बहुत शौक है ओए, ओए। तो ये सारी एक्टिविटीज़ उसके अलावा सोशलाइज करना इज़ वन बहुत छोटा है लेकिन मैं फैमिली में गैदरिंग्स में बस यही मेरा शौक है। अच्छा ये तो सब पढ़ाई की दिमाग की सब चीज़ें बातें हो गई लड़कियों के ऊपर एक और बर्डन होता है हमेशा से अब तो वो लड़कों के ऊपर भी होने लगा क्योंकि वो भी पढ़ने बाहर अकेले जाते हैं किचन के काम कौन संभाल सकता है यार हम यहाँ मेरे पास तीन बच्चियाँ बैठी मुझे कुकिंग का तो बहुत शौक है कुकिंग बेकिंग मुझे खाना पका लेती आलू की भुजिया पका लोगी गोल रोटी पका लोगी बहुत शौक है मुझे पराठे बहुत अच्छे बनाने नहीं कहो लच्छे वाले लच्छेदार पराठे और तुम मैं बिकॉज आई हैड टू मूव आउट एट सच अ यंग एज तो मैंने काफी टाइम पहले ही खुद कुकिंग करना सीखा सारा कुछ एक्सपेरिमेंटल बिल्कुल और क्योंकि मैं इतने मुख्तलिफ मुल्कों में रही हूँ तो अब मैं फ्यूजन कुजींस बनाती हूँ कोरियन पाकिस्तानी जापानीज करती रहती हूँ। और तुम्हें कुछ कभी किचन में जाना पड़ा तो मैं शौक से जाती हूँ नहीं नहीं मैं सब कुछ बना लेती हूँ नहीं कहो मैं कश्मीरी फैमिली से बिलोंग करती हूँ तो हम तो खाने के शौकीन होते हैं तो आई यूज टू वॉच माई मॉम्स बचपन से के करे हो कि क्या बना रही हैं कैसे बना रही हैं क्या हो रहा है तो वो चीजें देख देख के फिर सीख लिया मैंने। और बहने भी सारी बहने भी बारियां तुम लोगों की लगती थी तुम्हारा काम है बर्तन धोना क्योंकि लेकिन खैर होते हैं ना लोग तो आर्मी वालों के पास हाँ जी वो कभी होती है वो कभी मसला नहीं रहा लेकिन अगर खुद शौक से कुछ बनाने का दिल किया या बाबा का दिल कर रहा है कि आज मेरी बेटियां कुछ खिलाएं या मामा का दिल तो फिर हम लोग शौक से जाके बना रहे। अच्छा आप अपनी इसके बारे में बताओ कि लाइक ACCA करने के लिए आपको क्या क्या पढ़ना पड़ता है? आप ये मैट्रिकुलेशन के बाद भी कर सकते हैं आप ओ लेवल्स के बाद भी कर सकते हैं बिल्कुल मैंने ए लेवल्स के बाद किया था ये स्टार्ट तो इसके अंदर आपका ये भी रिक्वायर्ड नहीं है कि आपका अकाउंटेंसी का बैकग्राउंड हो। अच्छा यू कैन इवन बी अ साइंस स्टूडेंट और एन आर्ट स्टूडेंट एंड यू कैन गेट इनटू इट बायो भी हो तो चलेगा बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। और ये आप कभी भी कर सकते हैं। और क्या होता है इसकी एप्लीकेशन होती है क्या होता है कि आपको कोई फॉर्म जमा कराना होता है इंटरनेशनल पार्टिसिपेट करने के लिए? ACCA ग्लोबल जो है वो यूके में क्योंकि इसका ऑफिस है
यासमीन, तो वहीं पर उनके साथ ही आपका अकाउंट होता है। अच्छा। और वहीं पर आप अपने आप को रजिस्टर्ड बिल्कुल ऑनलाइन आप रजिस्टर करा लेते हैं, फिर आपने यहाँ पे अप्रूव लर्निंग पार्टनर्स हैं पाकिस्तान में जिनके साथ आप ट्यूशन ले सकते हैं या फिर आप उनके उनसे गाइडेंस लेके। अच्छा, इसके लिए आपकी क्या चीज़ अच्छी होनी चाहिए, जनरल नॉलेज, मैथ्स, क्या क्या सब्जेक्ट में आपको उबूर हासिल होना चाहिए? आपका बस दिमाग तेज होना चाहिए थोड़ा, यू नीड टू बी वेरी आईक्यू का ज्यादा आईक्यू होना चाहिए, और आपको बहुत ज्यादा ना हर चीज के अंदर घुसने का आपके अंदर वो शौक होना चाहिए, बिकॉज इसमें बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं। इसमें आप स्टोरियां नहीं लिख सकते बेसिकली। हाँ, जैसे हम पाकिस्तान स्टडीज के पेपर में हिस्ट्री में हम पूरी स्टोरी लिखाते थे, सुनिए प्लीज मुझे पास कर दीजिएगा, मेरी अम्मी की तबीयत बहुत खराब थी, ये सब हरकतें हुई है। अच्छा, तो आपका फ्यूचर प्लान क्या है, क्या बनना चाहती है ज़ारा? मैं इंशाल्लाह इसी प्रोफेशन में एक्सेल करना चाहती हूँ, अकाउंटेंट, ऑडिटर, मे बी गो इन टू टैक्स, अभी वो तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन आर्टिकलशिप 3 years की करके देन आई विल डिसाइड फॉर माई सेल्फ कि मैं फाइनली किस जगह पे सेटल होती हूँ। ग्रेट, क्या आपको, आप भी इतनी वायरल हो गई हो, मतलब शायद और भी पहले लोग कामयाब हुए होंगे, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से आप आपके बारे में काफ़ी लोगों को पता है, बच्चे बच्चे को भी पता है कि ये लड़की पोजिशन लेकर आई है जी दुनिया में, तो वो क्या फीलिंग, कैसी फीलिंग है? आई एम वेरी हैप्पी कि लोग अब इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं और उस चीज़ को फैला रहे हैं कि ये चीज़ ज़रूरी है। लाइक एजुकेशन इज़ नेसेसरी, मेन पर्पज़ ये है। मुझे अपने फेमस होने की उतनी खुशी नहीं है, मुझे इस चीज़ की खुशी है कि लड़कियाँ इस बात को, लड़के भी इस बात को आगे कर रहे हैं कि लड़कियों को पढ़ना चाहिए और शौक से पढ़ना चाहिए और हर प्रोफेशन में पढ़ना चाहिए। अच्छा, तो वो जो तस्वीरें तुम्हारे अब्बू के साथ हैं? जी बिल्कुल, मेरे अब्बू हैं। जब तुम्हारी पोजीशन आई, घर वालों का क्या था, खुशी का क्या आलम था? क्या यकीन नहीं कर रहे थे। अच्छा, वो कहते हैं वाकई? हाँ। अच्छा, इतने ना लाइक लोग हैं दुनिया में? मैंने कहा आप लोगों ने मुझे अंडरएस्टिमेट कर दिया। उनका इनिशियल रिएक्शन उनका ये था, लेकिन वो डेफिनेटली मजाक में वो मुझे खुश कर हंसाने के लिए कर रहे थे। लेकिन मिठाई बांटी, कोई मीठा बांटा मोहल्ले में, खानदान में कुछ? बिल्कुल ऐसे ही है। अब घर पे लोग डेफिनेटली कॉल्स आ रही होती हैं, घर पे लोग आ रहे होते हैं, तो हम सबको फिर कहते हैं मुँह मीठा करें और बस। ओह ग्रेट ग्रेट, जबरदस्त। देखिए जी, साफ बात तो ये है, ये ज़िंदगी का दस्तूर है और हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ है ही, बच्चियाँ चाहे कितनी टैलेंटेड हों, कितना ही पढ़ लें, आखिर वक्त उनको उनके अम्मा अब्बा ने उनके हाथ पीले करने होते हैं। तो ये हाथ पीले करने वाली बात तो ऐसा हो नहीं सकता मेरे शो में डिस्कस ना हो। आपके ख्वाबों का शहजादा, आप ज़ाहिर है अब इतनी पढ़ी लिखी लड़की है तो उसको आप अपना जो पार्टनर है वो भी कोई पढ़ा लिखा सा ही चाहिए होगा, उस हवाले से जिक्र करेंगे। और आपकी मुलाकात एक और सोशल मीडिया सेंसेशन कह लें या उनकी वायरल स्टोरी है वो डिस्कस करके मैं उनको बुलाऊंगी। छोटे से ब्रेक के बाद हमारी पार्टी हो रही है और इस पार्टी में ज़ारा भी शामिल हो गई हैं हम। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। दनानीर अपनी बहन के साथ और हमारे साथ ज़ारा नईम भी यहाँ मौजूद हैं। उनकी अपनी काविश है, उनकी अपनी सक्सेस है, दनानीर की अपनी सक्सेस है, कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं आप जो जिनको देखते हैं, कोई शाहरुख खान का फ़ैन होता है, कोई सलमान खान का फ़ैन होता है, कोई इमरान खान का फ़ैन होता है, तो हर किसी की अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं और वो उनको पसंद करते, तो कंपैरिजन तो कोई हो ही नहीं सकता ना। शाहरुख खान क्रिकेट तो नहीं खेल सकता, वही वाली बात है ना। जैसे ही मैंने ब्रेक पे जाने से पहले डिस्कस किया था, भाई आप चाहे डॉक्टर बन जाएं, चाहे आप इंजीनियर बन जाएं, चाहे आप स्कॉलरशिप ले लें, सब अम्मा अब्बा ने आपके हाथ पीले करने ही होते हैं। तो दना ने तो, और आप दोनों के अम्मा अब्बा तो जाहिर एक है ना, ना फिर दोबारा नाम नफायल, अल्लाह रट्टा मार के रहूं, नफायल नफायल। तो तुम लोगों के पेरेंट्स का क्या सोचना है कि उनके हाथ में है सारा? हाँ। उन्होंने कहा है कि बस हम, दिस इज आवर डिपार्टमेंट एंड वी विल टेक केयर ऑफ इट, तो हमने भी उनके ऊपर छोड़ा हुआ है, आपकी जो मर्जी होगी। फिर भी कोई तुम लोगों ने कोई पॉइंट्स दिए होंगे कि जो लड़का है उसमें ये चीज़ होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, कोई तुम लोगों ने कोई लिख के तो बात दी होगी ना भाई? लिख के बात कोई ऐसी डिस्कशन नहीं है, बस उनको पता है इंसान अच्छा हो, अच्छा इंसान अच्छा हो एंड दैट्स इट। अगर कोई थोड़ा सा बोरिंग सा चश्माटू और वो बिल्कुल उसको इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट ना हो, कोई लाइवली ना हो जिंदगी में, फिर क्या होगा?
Difficult question. लेकिन आई थिंक पेरेंट्स का ये होता है दैट दे हैव लिव्ड लॉन्गर लाइव्स देन वी हैव एंड दे हैव लिव्ड मैरिड लाइव्स फार लॉन्गर देन हाउ उनका एक्सपीरियंस जितना हम जिंदा रहे हैं जितना हम दुनिया में रहे उतनी देर उनके एक्सपीरियंस शादीशुदा रहे हैं सो दे नो के पार्टनर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए और उनसे बेहतर हमारे लिए कौन सोच है हम भी अपने लिए उतना नहीं अच्छा सोच सकते जितना हमारे वालिदैन हमारे लिए सोचते हैं दारा यही सवाल मैं तुमसे करूंगी कि कितना भी तुम टॉप कर लो ये इन दी एंड लाइक ये नेचुरल फैक्ट है यार पूरी दुनिया में कि आपको पार्टनर लाइफ पार्टनर चाहिए होता है आपकी फैमिली आगे बढ़ने के लिए तुम्हारे पेरेंट्स क्या सोचते हैं इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तरफ से कभी कोई ऐसे प्रेशर्स या ऐसी कोई चीज़ें मुझे फील नहीं दोनों बहनों की शादी जी बिल्कुल अच्छी होगी तो वो मुझसे बड़ी हैं काफ़ी 5 साल और 8 साल बड़ी हैं अच्छा अच्छा तो लेकिन माई पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव ऑफ मी और ऑफ माई करियर एंड माई पैशन जो के है अच्छा तो आई थिंक दे वुड वॉन्ट समवन जो के मेरे साथ प्रोग्रेसिव हो एंड दे वुड मेक श्योर के ऐसा ही हो तो ज़ारा भी ये सोचती होगी कि जैसे मैं हमेशा से पढ़ाई में टॉपर रही हूँ पोजिशन लिए तो जो मेरा स्पाउस हो वो भी थोड़ा पढ़ाई में इंटेलेक्चुअल तो हो कि मैं गुफ्तगू करूँ तो मज़ा आए ना पढ़ाई ज़रूरी नहीं होती है क्योंकि पढ़ाई डज नॉट डिफाइन एवरीथिंग लेकिन डेफिनेटली पढ़ा लिखा होना तो ज़रूरी है दैट्स अ नीड क्योंकि फिर आगे आपने अपनी नस्लों को भी देखना होता है तो दैट्स नेसेसरी बट अदर देन दैट अगर डिफरेंसेस भी हों तो आई थिंक कंपैरेबिलिटी आपकी कंपैटिबिलिटी जो होती है वो दैट्स नेसेसरी और आगे कितना पढ़ना है अभी ने सोचा है इंशाल्लाह जब तक दिल किया पढ़ते रहेंगे अच्छा शौक भी है पढ़ने का बहुत शौक है हम लोगों को होता था जल्दी से पढ़ाई खत्म हो अल्लाह जान छूटे नौकरी कर रहे हम कैसे कमाए मुझे नौकरी का भी उससे ज्यादा शौक है लेकिन मुझे ये शौक है कि मैं नौकरी करूँ तो मैं उसके साथ साथ और पढ़ूँ ताकि मैं और पॉलिश कर सकूँ अपनी स्किल्स देखो सबके अपने अपने शौक बिल्कुल मैं अभी एक ऐसी आपको कहानी दिखाने वाली हूँ पैकेज के थ्रू आप देखेंगे कि इनका ये शौक है और अंदर अंदर थोड़ा थोड़ा सा हर लड़की का एक ज़माने में शौक होता था आजकल लड़कियों के शौक तब्दील हो गए हैं क्योंकि उनके दिमाग में पेरेंट्स लाइक हमारे अम्मियों की बात कर रही हूँ हमारी नानियों की बात कर रही हूँ उनके दिमाग में पेरेंट्स यही डालते थे कि भाई यही है बच्चे पैदा करने हैं शादी करनी है लेकिन अभी पेरेंट्स बहुत और कुछ बच्चों के दिमाग में डाल रहे होते हैं लड़कियों के ख़ास तौर पर कि आप ये भी कर सकती हैं आप अपने पैरों पर भी खड़ी हो सकती हैं तो मैं एक खातून का शौक आप लोगों को दिखाती हूँ और उसके बाद उनको बुलाती हूँ दुनिया में हर खातून अपने आप को हमेशा बना संवरा रखती है लेकिन लाहौर से ताल्लुक रखने वाली रज़िशान अपनी मिसाल आप है 2006 में अपनी वालदा की बीमारी के सबब उनकी ख्वाहिश के मुताबिक अस्पताल में ही जल्द अज जल्द घर के कपड़ों में निकाह और रिक्शे में रुखसती हुई शादी के बाद अचानक वालदा के इंतकाल की वजह से रज़िशान पहले ही परेशानी का शिकार थीं कि चंद ही साल में यके बाद दीगरे इनके दो बच्चों के इंतकाल ने इन्हें शदीद डिप्रेशन का मरीज बना दिया इस वक्त 4 बच्चों की वालदा रज़िशान ने अपने आप को हशाश बशाश रखने के लिए अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अब एक अनोखा मामूल बनाया हुआ है अपनी शादी इंतहाई सादगी से होने की वजह से रज़िशान हर जुमे के रोज नित नए मुख्तलिफ मलबूसात में दुल्हन बनती हैं और वो इस बात पर बहुत खुश हैं कि उनके खावंद भी इनकी इस आदत को मुकम्मल करने में हिरा का पूरा पूरा साथ देते हैं मैं बहुत हैरान हो गई जब मैंने इनका यह पैकेज देखा और हम दुनिया में अपने आप को रिलैक्स करने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं कोई योगा करता है कोई मेडिटेशन करता है कोई कहीं ट्रैवल करने चला जाता है कोई यार कुछ और नहीं कम पैसे हों तो समंदर पे पानी पूरी खाने चला जाता है ऊँट पे बैठने चला जाता है डिपेंड करता है कि आप रिलैक्स कैसे होते हैं कोई अपने बच्चों से खेल के रिलैक्स हो जाता है तो यहाँ मैं इससे पहले कि मैं इन्हें बुलाऊँ मैं तुम तीनों से पूछूँगी तुम लोग अपने आप को रिलैक्स कैसे करते हो हाँ ज़ारा तुम पढ़ाई के बाद थक जाती हो अपने आप को रिलैक्स कैसे करती हो मैं सो जाती हूँ मुझे सोने का बहुत शौक है मैं 8 से 9 घंटे ना सोऊं तो मेरा मूड इतना खराब होता है मैं खुश रह नहीं सकती ये तो हीरा मानी हमारी यही करती है अच्छा वो कहती है कि जब मैं थकी हुई होती हूँ मुझे बस सुला दो ये मेरा रिलैक्सेशन टाइम मैं कहती हूँ मेरे कमरे की लाइट्स ऑफ हो मेरे कमरे में कोई ना आए कोई आवाज ना आए और बस सो जाओ सो जाऊँ तुम क्या करती हो
रीडिंग. हाँ मुझे मुझे रीडिंग का बहुत 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 शौक है. कोई नॉवेल्स या स्टोरीज या कोई एवरीथिंग मोस्टली नॉवेल्स. बचपन में जो संडे बाजार लगता था अब्बा वुड टेक द ननी एंड आई और हम जाके वो 50-50 की बुक्स होती थी तो हम उठा के 20-30 बुक्स ले आते. वी हैव एन एंटायर लाइब्रेरी एट होम. अच्छा द ननी क्या करती है रिलैक्स. आई लव पेंटिंग. जब मैं क्या क्या है गाना भी गाती है पेंटिंग भी करती है. आई लव पेंटिंग. मेरा ये होता है कि मैं कहती हूँ जब मुझे टेंशन होती है आई सिट इन माई आर्ट कॉर्नर. कैनवस निकालती हूँ पेंट्स निकालती हूँ. आई पुट ऑन सम लाइट म्यूजिक इन द बैकग्राउंड एंड आई स्टार्ट पेंटिंग और उसकी वजह से बहुत रिलैक्स हो जाती हूँ मैं. एंड स्विमिंग एज वेल. स्विमिंग से मुझे बहुत सुकून मिलता है. बोथ ऑफ दीस थिंग्स आर वेरी कामिंग एक्टिविटीज. एक ऐसा शौक जो शायद हर लाइक मैंने नहीं सुना. मतलब मेरे साथ मेरे पास इतने सारे गेस्ट आए हैं मेरे शो पे लेकिन मैंने ये नहीं सुना कि ये चीज़ करने से कोई रिलैक्सेशन मिलती है. तो जब मैं ऐसे ही सर्च कर रही होती हूँ कि सोशल मीडिया पे क्या है क्या नहीं तो मुझे एक कहानी मेरी नज़रों में आई और ये मशहूर हैं जुम्मा दुल्हन के नाम से क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पैकेज दिखाया इनके ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें हुई हैं वो दुख इन्होंने झेले हैं जिसकी वजह से इनको रिलैक्सेशन इसी चीज़ से मिलती है कि वो हर जुम्मे को दुल्हन बनती हैं और यही चीज़ इनकी वायरल हो गई. आइए मैं आपको मिला रही हूँ हिरा ज़ीशान से जो कि मशहूर है एज जुम्मा दुल्हन के नाम से. वेलकम करते हैं. ओए ओए आज तो जुम्मा नहीं है. आज क्या है आज जुम्मा ही है. हाँ अच्छा मैं मुझे नहीं पता था कि आज भी आप दुल्हन बन के आएंगी. अस्सलाम वालेकुम दुल्हन कैसी हैं आप. प्लीज तशरीफ रखिए. हिरा हिरा आप जानती हैं इनको ज़ारा को इन्होंने ACCA में पोजीशन ली है और इनको पावरी गर्ल को दनानी को जानती हैं. हाँ जी इनको भी जानती हूँ. हाँ पार्टी हो रही है. तो हिरा खुद ही कर लेती है मेकअप या भी खुद ही किया है या ARY में किसी से करवाया. ARY से किया. तो अभी तक कितने कितने सालों से माशाल्लाह आप दुल्हन बन रही हैं. ये कौन सी नंबर का जुम्मे का सामान है. जुम्मे का सामान मैं तो 16 साल तो मेरी शादी को हो चुकी है. अच्छा माशाल्लाह. तो जुम्मे के तैयार होने का जो रीजन है ना वो मैंने स्पेशली कहा था कि मैं निज़ा यासर के शो में जाके बोलूंगी. अच्छा क्योंकि यासर शामी के प्रोग्राम में तो आपको पता 7-8 मिनट्स का ही इंटरव्यू चलता है. जी जी. तो उसमें बस चटपटी बातें होती हैं और इसमें पूरी जिंदगी तो नहीं ना बता सकते. लेकिन जब मुझे आपकी कॉल आई ना कि ARY आना है इंटरव्यू के लिए तो मैंने सब लाहौर में ना बहुत ज्यादा इंटरव्यू करना चाह रहे थे तो मैंने उनको सबको कहा नहीं जब तक मैं निज़ा यासर के शो में नहीं जाऊंगी मैं आपके पास अभी नहीं आऊंगी. 16 साल जब आपकी शादी को हो गए तब से आपने दुल्हन बनना शुरू किया. वरना बचपन में भी शीशे के सामने खड़े होके नहीं बच्ची. मुझे बचपन से ही तैयार होने का झूमर शुमर लगाने का बहुत क्रेज था. मेरा ननिहाल है ददियाल है सब जानते हैं कि किसी की भी शादी में इसने फौरन दुल्हन बन जाना या निके झूमर शुमर लगा लेना तैयार होने का ना एक क्रेज होता है. तो जब मेरी वालदा बीमार हुई वो मैंने बताया इंटरव्यू में कि मेरी वालदा को कैंसर हो गया. अच्छा तो उस दौरान गंगाराम हॉस्पिटल में वो एडमिट थी. जी जी. तो ज़ीशान से मेरी एंगेजमेंट हुई हुई थी. तो ज़ीशान आपके जो हस्बैंड है वो आपको किधर मिले थे. वो ऐसी शादी में आपने झूमर लगाया हुआ था और कहीं मिल गया. नहीं 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 मिले नहीं थे वो बस उनको मैं पसंद आ गई थी कहीं से भी आ गई लेकिन आ गई थी. अच्छा तो मेरे फियांसी थे लेकिन मेरी अम्मी जब लास्ट स्टेज पे थी ना तो वो हॉस्पिटल में ब्लड देने ही आए थे. अच्छा तो मेरी वालदा ने उनको देखे ना तो जैसे डॉक्टर ने बोला ना कि ICU में ये लास्ट स्टेज है ये आज रात भी बड़ी मुश्किल से होंगी. तो मेरे जेठ वहाँ पे आए मेरी सास आई हुई थी तो मेरी अम्मी ने कहा कि अगर मेरी बेटी की रुखसती हो जाए. उनके तो, सामने आपकी सादगी से. हाँ हाँ जी यानी कि जितना शौक था ना मेरे अंदर मैं अपनी वालदा को कहती होती थी मैंने बहुत अच्छी दुल्हन बनना है. तो मैं ऐसे ही एज इट इज जो घर के कपड़े हैं वो ही पहने और रुखसत कर दिया. लेकिन मैं ब्राइडल कैसे बनती थी ये मेरे हस्बैंड ने मुझे इस तरफ लेके आया. कैसे. मुझे ना शादी से पहले ना बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था हमारे इलाके में. तो वो उसका ना मुझे दिमागी अटैक हो गया. ये बात आवाज से एकदम ऐसे मैं जैसे डिप्रेशन में नहीं चली गई ऐसे चली गई. तो मेरी वालदा ने मुझे लेके डिप्रेशन होता था. बहुत इतना हो गया था कि प्रोथोडाइल जो बस 25 मिलियन की तब खाती थी.
लेकिन जब मेरी वालदा की डेथ हो गई ना तो वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गई, मेरी नाक से ब्लीडिंग आना शुरू हो गई। ये एक ऐसा निदा राज है कि मेरे हस्बैंड ने 16 साल से ना अपने बहन भाइयों को बताया, किसी को नहीं बताया कि मेरी मिसिस को ये प्रॉब्लम है, कि इनको ये पसला चल रहा है। तो उनको कैसे पता चला कि अगर आपको दुल्हन बनने की का कहा जाए? नहीं, उनको रिलैक्स होंगी। जब वो मुझे डॉक्टर के पास लेके गई ना तो डॉक्टर ने कहा कि इनकी दिमाग की वेन कमजोर हो चुकी है, ब्लैक जो आता है ना इनके नाक से आता है, मुंह से आता है, जिस दिन इनके कान से आ गया ना तो हम आपको इनकी डेट बता देंगे। तो मेरे डेथ की डेट जी, उन्होंने कहा कि ये इतना खतरनाक है कि दिमाग का अटैक होना ये बहुत खतरनाक बात है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप मुझे बताएं करना, कहने लगे कि इसको ना आप एडमिट करवाएं हॉस्पिटल में, मेंटल हॉस्पिटल में। अल्लाह, सीधी सी जो बात, मेंटल हॉस्पिटल में उन्होंने कहा, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मेरे हस्बैंड गए ना मेरी दवाई लेने के लिए मेडिसिन, तो हम पता कर रहे थे, मैं उनको बता रही थी मेरी अम्मी यहाँ लेके आती हैं, यहाँ लेके आती हैं ना, तो वो उनको पूछ रहे थे पता कैसे चला कि आप लाइक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकती हैं, सिर्फ अपने आप को रिलैक्स इस तरह। ये मेरे हस्बैंड ने, उन्होंने जब कहा ना कि मैंने एडमिट करना, तो मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं ये नहीं मैंने करना, मैंने बड़ी मुश्किल से शादी की इससे। अच्छे हस्बैंड बहुत, उन्होंने कहा क्या कर सकते, उन्होंने कहा इसको ऐसे करें कि टीवी देखे, ज्यादा से ज्यादा टीवी देखे और मूवीज देखे, एंटरटेन करे अपने आप को, करे ये करे। तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते थे कोई भी काम कहते थे तो मैं फटाफट करके फारिग कर देती थी, घर के सारे काम कर लेने सारा कुछ, तो कहते जिस तरफ मैं इसको लाना चाह रही हूँ क्यों नहीं आती। तो उन्होंने इस थिंकिंग को समझने की कोशिश की कि लेडीज को शॉपिंग का शौक होता है, मेकअप का बहुत शौक होता है, इसको ना तैयार होने का बड़ा शौक था। तो जब वो पाकिस्तान में थे ना तो जुम्मे के जुम्मे वो घर पे ही रहना, अभी वो पाकिस्तान में नहीं होते, नहीं वो इंग्लैंड चले गए हुए वहां। तो अभी वो जब पाकिस्तान में थे तो उन्होंने जुम्मे के जुम्मे क्या कहा कि तैयार हो? नहीं, 5 घंटे डॉक्टर ने बोला था कि इसको बिजी रखो, 5 घंटे बिजी रखो, बिजी रखो कि इसको इस मर्ज से बाहर निकालना है। तो अच्छा, तो क्या हुआ, कैसे किया? उन्होंने कहा मैं एडमिट ही कराऊंगा, मैं इसको बिजी रख लूंगा। अच्छा, अब खुद उन्होंने क्या करना, जुम्मा पढ़ना, हर चीज हम लोगों ने करनी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बाद में उन्होंने क्या कहना, कहना तुम तैयार तो हो थोड़ी सी। अच्छा, तो मैंने तैयार हो क्या ना, कहती नहीं नहीं थोड़ी सी और हो जाओ। अच्छा, फिर थोड़ी सी और हो जाओ, फिर कपड़े निकाले, ड्रेसिंग, कहते ये नहीं वो दूसरे वाला निकालो, वो पहनो, खुद सो जाना। हाँ, और मैं धड़ाधड़ लगी हूँ, लगा मतलब मैं लगी हूँ, फिर मैं आगे देखी कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है। नहीं 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 थोड़ा सा और होना यार, कोई रूप ही नहीं निकल रहा। अच्छा, ये फिर जब वो बाहर आउट ऑफ सिटी चले गए तो वहाँ जाके जुम्मे के दिन वहाँ पे छुट्टी होती है आपको पता है। अच्छा, उन्होंने ऑनलाइन होना तो उन्होंने ये बात करनी है आज तैयार नहीं हुई। इवन कि मेरे बच्चे जो है ना वो भी जब मैं तैयार नहीं हूँ तो कहते खैर है मम्मा। और कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 6, जिनमें से 2 की तो डेथ हो गई है, और 4 मेरे बच्चे माशाल्लाह, 3 बेटे 1 बेटी। तो उन्होंने मुझे इस चीज से निकाला और वो नाम पड़ गया जुम्मे के जुम्मे, क्योंकि मैं छुट्टी जुम्मे के दिन होती थी। तो जुम्मा दुल्हन का नाम कैसे मशहूर हुआ, मतलब मेरी आप मेकअप करते टिकटॉक में बनाती थी। हाँ, ठीक है, उन्होंने मुझे टिकटॉक पे भी लगाया। मेरे बाल बहुत छोटे थे, पूरी मेरी सोसाइटी को पता है, सबको मेरे इतने बाल थे। उन्होंने कहा मुझे इतना शौक है तुम बाल ही नहीं बढ़ाती हो, तुम्हें शौक नहीं है कि हस्बैंड को पसंद है? मैंने धड़ाधड़ हर नुस्खा निकालना करना, और अब जब देखती हूँ कि फिर उन्होंने एक प्रोडक्ट ली हेयर ऑयल की, हीरा हेयर ऑयल की, उन्हें किसको सेल करो, इसकी तरफ मुझे लगा दिया। और अब लाहौर में आपके बाल आपने खुद ही लंबे किए अपने? हाँ जी, लाहौर में हीरा हेयर ऑयल बहुत पॉपुलर है। मुझसे बात करने के लिए लेडीज तरसती हैं कि हीरा हेयर ऑयल की बुकिंग करवाओ, हमने लेना, तुम्हारे बाल 2 साल में इतने लंबे कैसे हो गए? उन्होंने इस तरफ भी मुझे लगा दिया, लेकिन ये बात उन्होंने कभी ओपन नहीं की। एक वीडियो थी मेरी, और आपने ओपन कर दी सबके सामने? मैंने रात को मैंने अपने हस्बैंड से बोला ना, तो वो कहते मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम क्यों घबरा रही हो? ये यासर शामी की एक वीडियो थी, वो जो इंटरव्यू हुआ था उसमें बैड कमेंट्स आए, बहुत लोगों ने हार्ट किया, इवन के मेरे जो। लेकिन देखिए ना, कोई मकसद है ना जुम्मे को दुल्हन बनने का? ये कोई नहीं समझा, मकसद बिलीव करें कोई नहीं समझा। मुझे इतने इतने कमेंट्स किए गए और कहते हैं जी जुम्मे की ब्राइडल पति इतना खर्चा करती है तो बच्चियों की शादी करवा दे। जुम्मे के बाद नमाज पढ़े। मुझे एक बात बताएं, जुम्मे के जुम्मे एक ही जोड़ा होता है या अलग अलग जोड़े? नहीं, हर अलग जोड़ा होता है। स्पॉन्सर होता है या खरीदना पड़ता है आपको? बहुत तो मैंने खरीदे हुए। अल्लाह, मेरे हस्बैंड ने मुझे दिलाए, मैंने बहुत से इवन मैं शादी पे भी जाती थी ना तो खाना खुल गया, जो मर्जी हो जाए, मेरा हस्बैंड तू तैयार होती रहा। हाँ, तू तैयार होती जब मैं ले जाऊंगा वापसी भी, हमने शहर में और पिज्जा वगैरह खा लेना, वहाँ खाना भी खुल जाना। आज ये स्टेज है कि 3 माह हो गए मैंने टैबलेट नहीं ली। माशाल्लाह, मैंने बिल्कुल नहीं ली। और मैं उन लोगों से कहना चाहूंगी कि मैं यहाँ पे हूँ कि आप लोगों ने इतने बैड कमेंट्स किए कि मेरे ससुराल में इतना इतराज हो गया। हाँ, कि आप लोगों को समझ नहीं आती कि कोई लेडीज क्यों बन रही है। माँ की डेथ हुई, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब आगे आई तो मेरे बच्चों की 2 की डेथ हो गई।
ये लोगों ने क्यों नहीं समझी इस चीज को? और मुझे डिप्रेशन डिप्रेसिव वाली बातें नहीं करें, ये देखिए आप कितनी अच्छी हैं। वो तो मैं लगी आपका भी फोटो शूट कराऊंगी। अभी हमारा शो खत्म होगा यहाँ अली भाई, मैं वक्त कर दूंगी अली को आपके साथ, और आप सारा जो फोटो शूट आपने नहीं कराया होगा अच्छे अच्छे से, मैं खुद खड़े लाहौर में। तो अब 250 पॉलिस ने मुझे ऑफर करवाई हुई, अभी मैं पीछे ब्राइडल बन के हूँ, जेएस लोन की बन के मैं अभी काशी बोलती हूँ कि भाई काशी के साथ आपका शूट हो, और बकायदा मुझे पेमेंट दे रहे हैं, पेमेंट देते बुलवाते हैं, फोटोशूट करवाते हैं और यहाँ लगाते हैं। और दो हफ्ते पहले मैं 40 ब्राइडल्स में से अवार्ड जीत के आई। अच्छा मुझे बताओ कितनी दफा दुल्हन बन चुकी हो अभी जुम्मे को, कितने जुम्मे हो चुके गिने? जो मेरी ख्वाहिश थी ना वो, लेकिन मेरे हस्बैंड की बड़ी ख्वाहिश है, वो कहते हैं कि मैं तुम्हें ना यानी कि दुल्हन जैसे। हस्बैंड कहाँ है, मुझे उनसे मिलना है। मैं वो उनको तो बुलाने चाहिए मुझे, नहीं वो बाहर है उनकी टिकट, उन्होंने कहा था कि जी मेरी एनिवर्सरी है वो तब आना है भाई, अनु भाई से बात भाई, आप जब वापस आए प्लीज आप मुझसे मिलेगा, मैं बहुत अच्छी चीज है निदा, ये उनकी थेरेपी, इनकी थेरेपी है ये। इवन कि मैं अभी लाहौर से जब ट्रेवल कर रही थी ना तो वो उन्होंने कॉल बंद नहीं की। हाँ उन्होंने कहा नहीं मैं तुम्हारे साथ, तुम्हें क्या परेशानी है, तुम जाओ, तुम्हें क्या, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, इवन कोई बात भी करो ना तो मैं हैंडल करने वाला हूँ। मैंने उनको कहा, मैं कहा अपने कमेंट्स पढ़े, कहते नहीं तुमने क्यों पढ़े, तुम्हें क्या जरूरत है पढ़ने की, नहीं डिप्रेस होने, तुम्हें कोई चीज की लेने की टेंशन नहीं है, टैबलेट तो नहीं ली, रात सारी मैं थोड़ी सी डिप्रेशन में थी क्योंकि मैं थकी हुई थी, तो उन्होंने कहा टैबलेट नहीं खानी, टैबलेट नहीं खानी, ठीक हो ना टैबलेट के बगैर। हाँ तो आप, आपकी जिंदगी है, किसी को क्या हक है कुछ बोलने का, आपने जो करना है। निदा उन्होंने यहाँ तक बोला कि भी हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, कि ये बात खुल गई ना कि ये तैयार होती है जुम्मे के, जुम्मे टाइटल लगवा लिया है। हाँ तो आप ये देखिए कि मैं जब कहीं जाती हूँ ना किसी फॉलोअर्स पे, और वो इतनी प्यार करती है, किसी की करती है कि भाई जुम्मे की ब्राइडल आई है। अच्छा आपके आने से पहले मैं भी घबरा रही थी कि क्या हो गई, लेकिन आपके मिलने के बाद हमारा परसेप्शन चेंज हो गया ना, हम किसी को बहुत जल्दी जज कर लेते हैं, हमें नहीं पता होता उसके पीछे कोई ना कोई कहानी है, कोई ना कोई वजह है, कौन किस लिए क्यों ऐसा कर रहा है, लेकिन जब आप किसी से मिलते हैं तो फिर आपको अंदाजा होता है कि क्या कोई ना कोई वजह है इस चीज के पीछे। तो अब आपने क्या सोचा हुआ है, आपके बच्चे कितने बड़े हो, आपका बेटा भी साथ आया? हाँ जी मेरा बड़ा बेटा है सुफियान, वो तो माशाल्लाह। हाँ जी बुलाओ सुफियान को, सुफियान को भेजो जरा, सबसे बड़ा बेटा है, सबसे बड़ा बेटा। हाँ वो मेरे साथ कहीं पे भी जाते ना तो वो कहते हैं, अभी कि हम जहाज में भी बैठे हुए थे ना तो कहते ये दोनों बहन भाई हैं, वो तो जहाँ भी कितने मामा कोई समझ अच्छा, में नहीं है। मेरे जो बच्चे हैं ना वो तो मुझे इतना डर, मतलब लाइक अगर कभी से ज्यादा मेकअप कर लूं डिस्को अम्मी और ये वो हमें कहना शुरू कर देते। आओ सुफियान, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? अच्छा मैं अभी यही कह रही थी कि अब मैं थोड़ा सा ज्यादा तैयार हो जाऊँ ना, मेरे बच्चे मुझे तो तंग करते हैं, रिकॉर्ड लगाते क्या ज्यादा पहले ओवरडू हो गया, कम करें कम वो करें, बच्चों का आजकल नो मेकअप लुक का वो होता है ट्रेंड। तो सुफियान नहीं कहता अम्मी झूमर तो उतार दे छोड़ दें अम्मी, पहले पहले होता था अब तो आदत सी हो गई। जुम्मे को तैयार ना हो, उनका मूड ना हो, कुछ थकी थकी हो, बीमार हो, तो तुम लोग को उलझन होती होगी सुफियान। हाँ, मुझे फिर तैयार करवा देते। अच्छा ओए होए होए, कौन सा बहन भाई ऐसा जो कहते हैं अम्मी नहीं तैयार हो, और कौन सा कहता है कि अम्मी और तैयार हो, ये पहने ये पहने, इवन मैंने कहीं जाना भी होता है ना अपने बच्चों के साथ तो मैं धड़ाधड़ मेकअप कर रही होती, खड़ी होती बच्चों को स्कूल लेने जाती हूँ, तो कैसे जाती हूँ, तैयार हो कि नहीं ब्राइडल बन के जाना नहीं उनके स्कूल में भी इवन के जब उन्होंने ये यासे जामी का देखा ना तो वो कहते हैं आपने डिप्रेशन ही लेना, बच्चों की रिपोर्टें घर आ जाएंगी। आप टेंशन मत ले। हाँ जब तुम्हारी अम्मी वायरल हुई जुम्मा दुल्हन के नाम से तो तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें छेड़ा तंग तो नहीं किया? पक्का ना? और पता है ना कि अगर दोस्त तंग करें तो क्या करना है? नहीं हमारी मम्मा है, हम जो अगले जो मर्जी गए हमें हमारी मम्मा से लिंक है। तो कल मंथ बच्चा है भाई। तो जी एक छोटा सा मैं ब्रेक ले रही हूँ, और ब्रेक के बाद दोबारा हमारे साथ अलग 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 सक्सेस हासिल करके यहाँ तक पहुँचने वाले लोग हैं। देखिए सच्ची बात यह है कि मेहनत बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन लक किसी किसी का साथ देती है और वो फिर अपना नाम बनाते हैं। दुनिया में इतने सारे लोग हैं और सबको यूनिक होने का जाहिर है अंदर से तो एक होता है कि हम दूसरों से मुख्तलिफ नज़र आए, मुनफरिद नज़र, लेकिन किसी किसी को लक ये लक जो है उसकी काम आती है और वो दूसरों से पिविटल और अलग यूनिक नज़र आता है। एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, क्योंकि आज पारी हो रही है
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज एक बहुत ही मज़ेदार पावरी शो हो रहा है। हमारे साथ दना नीर हैं अपनी बहन के साथ, और हमारे साथ हैं ज़ारा नईम। अपनी अपनी सक्सेस है इन लोगों की, जिसकी वजह से आज ये आप लोगों के सामने मौजूद है, बल्कि आपने मुझे फोर्स किया है इनको बुलाने के लिए। आपकी फ़ैन फॉलोइंग माशाल्लाह से भाई उरूज पर है, और साथ साथ हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जिनको शायद आप उतना नहीं जानते होंगे जितना इन लोगों को जानते हैं, लेकिन उन्होंने भी अपनी एक पहचान बनाई है अलग अलग चीज़ें करके, जैसे कि जुम्मा दुल्हन हमारे पास मौजूद हैं। और एक ऐसी लड़की हैं जिन्होंने, जब आप किसी मतलब लाइक किसी मशहूर शख्सियत का कोई काम करते हैं, कोई कपड़े डिज़ाइन करते हैं, कोई मेकअप करते हैं या मेहंदी लगाते हैं, तब भी आप अपने टैलेंट की वजह से मशहूर हो जाते हैं, और इंसान एक दूसरे को सपोर्ट करते करते आगे बढ़ता है। अभी मैं आपकी मुलाकात एक कराने वाली हूँ एक बहुत ही टैलेंटेड लड़की से, जिनका नाम है उम्मे कुलसूम। और उन्होंने रिसेंटली, वैसे तो वो ये काम बहुत अच्छे से कर रही हैं, बहुत टैलेंटेड है, मगर उन्होंने रिसेंटली बख्तावर की मेहंदी लगाई है। आइए मैं आपको उनका एक पैकेज दिखाती हूँ। अली भुट्टो की नवासी आसिफ अली जरदारी की साहबजादी बख्तावर भुट्टो की हाल ही में शादी हुई, जिसमें इनकी मेहंदी के फंक्शन में लगाई जाने वाली मेहंदी के चर्चे आज भी जबान जदे आम हैं। इनके हाथों पर मेहंदी में अजरक का डिजाइन बनाया गया था, जिसका आइडिया खुद बख्तावर की तरफ से दिया गया था। बख्तावर का कहना है कि इनकी मेहंदी आर्टिस्ट उम्मे कुलसूम की तरफ से लगाई गई मेहंदी बहुत खूबसूरत है, जिसे बहुत नफासत से लगाया गया, जो बख्तावर भुट्टो समेत पूरे पाकिस्तान की औरतों को बहुत पसंद आया। जी तो देखिए कितनी टैलेंटेड बच्ची है, जिनको लाइक मौका मिला यहाँ पे सबके सामने आने का, क्योंकि उन्होंने बख्तावर की मेहंदी लगाई। आइए वेलकम करते हैं उम्मे कुलसूम को। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी आइए प्लीज तशरीफ रखिए, आ जाओ इधर आ जाओ। बहुत प्यारी मेहंदी लगाती हो आप। थैंक यू सो मच। कितने अरसे से लगा रही हो आप? देखा जाए मैं कोन पकड़े हुए तो मुझे 22 साल हो गए। लेकिन पैदा होते ही अम्मी ने लॉलीपॉप के बजाय कोन पकड़ा है क्या? समझ ले कि वो एक होश आता है ना 7-8 साल, वो जो तो फिर तब से मैंने कोन वो पकड़ ली थी, और जो प्रोफेशन में प्रोफेशनली लगाते हुए मुझे 14 साल हो गए। माशाल्लाह 14 साल। और कैसे लगाती हूँ मेहंदी? लाइक जैसे मेरी जब शादी हुई थी तो मैंने सुई से मेहंदी लगवाई थी, इतनी बारीक मेहंदी मुझे अच्छी लगती थी। तुम कैसे लगाती? उस वक्त सुई वाला सिस्टम था, और अब तो ये कोन्स का सिस्टम है, तो बस कोन्स से ही लगाती हूँ सुई वाली मेहंदी। लेकिन अब समझ, तुम्हें बख्तावर ने कैसे चूज किया? उसने तुम्हारे मेहंदी तुम्हारा काम किधर देखा था? जो तुम्हारे बारे में उनकी फैमिली, मैं उनकी एक आंटी है बंटो आंटी, मैं उनके यहाँ जा चुकी हूँ, मैंने पहले ब्राइडल लगाई है उनकी फैमिली में। अच्छा, तो फिर वहाँ से उन्होंने उनको मेरा नंबर दिया और उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। वैसे तुम कहाँ, अगर जैसे तुमसे कोई मेहंदी लगवाना चाहे तो तुम किधर मिलोगी? मेरा इंस्टा पे पेज है, मेरा फेसबुक पे पेज किस है? नाम से? कुलसूम जहना के नाम से मेरा। कुलसूम जहना? जी कुलसूम जहना, HEN कुलसूम जहना। अच्छा अच्छा अच्छा, उस नाम से मेरा पेज है, और मेरे वहाँ से ही मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मेरा नंबर वहाँ से ले सकते हैं, मुझे कॉल करके बुकिंग करवा सकते हैं। अच्छा, जब तुम गई ना लाइक तुम्हें कहा कि जी ब्राइडल मेहंदी लगानी है, बताया था किसकी लगानी है? नहीं, चुपके चुपके लेकर गए? जी बताया। तुम्हें रास्ता नहीं पता चला कि तो तुम जा रही हो? मुझे तो वो पिक एंड ड्रॉप था हमारा। हाँ। कि उन्होंने कह दिया था कि है ना आपको पिक करेंगे आपके यहाँ से, आप अपना लोकेशन हमें सेंड कर दे। लेकिन मुझे थोड़ा आइडिया हो गया था। हाँ। क्योंकि वो जो टेस्ट वगैरह के लिए कॉल आई थी कोरोना टेस्ट के लिए, पहले कोरोना टेस्ट कराया एक दिन पहले, और फिर वो सुबह 11 बजे वो आई रिपोर्ट, और मुझे फिर 2 बजे जाना था। अच्छा, 11 बजे तक मैंने कहा अभी रिपोर्ट पता चलेगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह रिपोर्ट भी क्लियर आई और फिर हम लोग गए वहाँ पर। खास तैयार होके गई होगी बख्तावर से मिलने? कुछ भी नहीं, ऐसे ही। वो मेकअप भी मैं तो इतना ज्यादा नहीं करती क्योंकि नमाज पढ़नी होती है। हाँ। वो नमाज का भी टाइम था, तो बस ऐसे ही मैं तो वहाँ पहुंची। जब फिर तुम मिली, तुम एक्साइटेड हुई? मैं जाहिर है बहुत घबरा गई। अब मैं खुद सोचे सही मेहंदी लगा पाई, हाथ कांप रहे हैं। मैं इतनी ज्यादा डर गई क्योंकि इतने आप जाए तो आप इतनी सिक्योरिटी और सब कुछ। हाँ। तो पहले तो मुझे मैं ठंडी हो गई, फिर जब मैंने उनकी मेहंदी स्टार्ट की तो वो खुद इतना रिलैक्स थी, वो इतना ज्यादा उन्होंने पोलाइटली मुझसे बात की, और उन्होंने कहा कि है ना, मैंने सुना है उनके बारे में, क्योंकि जो कोरियोग्राफर थे उनके वो जाहिद हमारे पास भी आते हैं ना, तो वो बता रहे थे इतने अच्छे भी नजीर ने अपने बच्चों की तरबियत की है, इतने
डाउन टू अर्थ, इतने ग्राउंडेड हैं कि वो नहीं लगते इतने बड़े फैमिली के बच्चे हैं। यही तो एक्चुअली असल तरबियत होती है ना। जी जी, उन्होंने इतना, मतलब मैंने उनसे कहा कि आप मुझे बताएं कि आपको कैसी मेहंदी लगानी है, तो उन्होंने कहा कि आप अपनी मर्जी से लगाए लेकिन कुछ अलग। अब उन्होंने बिल्कुल मुझ पर छोड़ दिया, कुछ भी नहीं कहा। तो अब मैं ब्राइड की लगाती हूँ तो मैं पूछती हूँ उनसे कि आप मुझे बताएं आपको कैसी लगानी है। मैंने दो तीन मरतबा पूछा जब मैं इस पार्ट पर आई ना, तो फिर मैंने उनसे कहा कि आप मुझे बताएं, तो उन्होंने कहा अगर आप कर सके तो आप अजरक वाला डिजाइन बना दे। मतलब जो बच्चे जो सारी जिंदगी बाहर पले बड़े हैं वो कितने उनको अपने कल्चर से प्यार है। हाँ, तो मैंने, उन्होंने उस वक्त है ना अजरक वाला ही वो पहना हुआ था। हाँ, तो मैंने कहा वो इसे, और उन्होंने मुझे एक पिक्चर बताई। ये देखो ना, ये अजरक वाला स्टाइल, ग्रेट। तो उन्होंने मुझे एक पिक्चर भी बताई। हाँ, फिर है ना मैंने, अब उस वक्त करना मेरे लिए, अब मुझे था कि बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, अगर कुछ भी ऊंच नीच हुई तो मुझे डर भी लग रहा था। फिर मैंने बस बिस्मिल्लाह बोला और मैंने वो बनाए। एक दो तुमने टिप्स दी कोई कि भाई अगर आप लॉन्ग जो है जी, वो मैंने तवे पे कढ़ाएंगे तो रंग अच्छा आएगा। मैंने उनको सारी टिप्स दी कि आप ये सब कुछ करिएगा तो आपका कलर बहुत अच्छा आएगा। और ये अल्लाह की तरफ से ही है कि उन्होंने मुझे उस वक्त कहा और मैंने फिर उस वक्त लगाए। मैंने पहली मर्तबा ये डिजाइन लगाया, मैं इतने सालों से मेहंदी लगा रही हूँ और ये वाला डिजाइन मैंने पहली मर्तबा लगाया और वो लगा और वो परफेक्ट भी बन गया और वो सब कुछ। अच्छा, दुल्हन तो यहाँ यहाँ तक उसकी मेहंदी लगी भी होती है, पैर भी इतने ज्यादा ज्यादा होते हैं। आजकल की दुल्हनों की मेहंदी ज्यादातर यहाँ तक ही होती है। देखो कितनी कम मेहंदी लगाई है ना बख्तावर ने। जी जी जी, हाँ इतनी ही आजकल की। तुम तेज लगाती हो, थक नहीं गई बैठे बैठे थी मैं? मुझे 5-5.5 घंटे लगे। मैं तेज भी लगाती हूँ लेकिन बारीक मेहंदी में टाइम ही बहुत लगता है। जितनी बारीक होगी ना आपको टाइम उतना लगेगा। तो उनकी बहुत बारीक मेहंदी थी, नीट। और मुझे अच्छा सच्ची सच्ची बताओ, जब बख्तावर के साथ पिक्चर्स वायरल हुई उसके बाद अब तुम्हारी वैल्यू कितनी बढ़ गई लोगों की नजर में? लोग जो पहले तो पहले भी लोग काफी जानते थे लेकिन अब जो लोग नहीं जानते थे वो भी जानते हैं। पैसे तो नहीं बढ़ाए? नहीं। और पिछले मैंने, आप यकीन माने, पैसे तो मैंने वहां से भी उनसे वही चार्जेस लिए जो मेरे थे। हालांकि मैं वहां जाकर ले सकती थी चार्जेस ज्यादा, और मैं उनसे उस वक्त भी कहती तो वो लोग, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता ना अगर मैं अपने चार्जेस ज्यादा भी कर देती। लेकिन मैं बोरा कम्युनिटी से हूँ और हम लोग कभी चीटिंग नहीं करते कि मेरी जो बात हुई थी मुझे वही करना था। तो मैं अगर मैं पैसे भराऊं और मैं बोल के लूं तो वो अलग बात है। अब मेरी बात हुई थी और जितना काम था तो मैं तो मुझे भाई इन चीजों से बहुत डर लगता है कि मुझे अल्लाह को जवाब देना है। तो फिर मैंने अपने जो मेरे जायज थे मैंने उनसे वही लिए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। देखिए जी, माशाल्लाह, वो कहते हैं ना कि लक होती है आपको और आपको नहीं पता होता कि जिंदगी में वो किक जो आपको मिलनी है वो कब मिल जाती है। कभी पढ़ाई से भी मिल सकती है, कभी वायरल वीडियो से भी मिल सकती है और कभी आपके टैलेंट से भी मिल सकती है। एक और बच्चा है जिसको मैं अभी बुलाने वाली हूँ। कुछ लोग आपको नहीं पता इतने मेहनती होते हैं कि जैसे ही उन्होंने आंख खोली होती है तब से वो मेहनत शुरू कर देते हैं। एक क्वेटा के बच्चे की वीडियो वायरल हुई थी जो अपनी फैमिली के लिए जूता पॉलिश किया करता था। याद है आप लोगों को, जो बर्फ में सर्दी में, क्योंकि उसने अपनी फैमिली का को रोज खाना खिलाना होता था। इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे मुल्क में, मेरा बस चले तो मैं रोज ऐसे लोगों को इकट्ठा करूँ और उनसे आप मतलब मुतारिफ कराऊं कि ये मेहनत है हमारे मुल्क की, जो अक्सर हम पोर्ट्रे कर रहे होते हैं इंटरनेशनली कि पाकिस्तान ये पाकिस्तान वो। हमारे यहाँ बहुत मेहनती लोग होते हैं। तो मैं एक बच्चे से आपकी मुलाकात कराऊंगी जो सुबह पढ़ाई करता है और उसके बाद जो सुबह जॉब करता है सॉरी और उसके बाद शाम में भी वो इवनिंग की शिफ्ट लगाता है। वो क्या करता है जी? इस छोटे से बच्चे का नाम जिसका दिमाग और दिल इतना बड़ा है कि अभी से अपनी फैमिली की कफालत कर रहा है, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है। आइए अब्दुल वारिस को एज ए सेलिब्रिटी मैं अपने शो पर दावत देती हूँ। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? प्लीज बैठे, तशरीफ रखें। अब्दुल वारिस, इस उम्र में तो बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं, फुटबॉल खेल रहे होते हैं, गिल्ली डंडा खेल रहे होते हैं, जो उनको मौका मिलता है। तो अब्दुल वारिस की तो बहुत बिजी लाइफ है।
जी मैं जो है ये चीजें नहीं खेलता जो क्रिकेट वगैरह। कभी खेला है कभी जिंदगी में मौका मिला खेलने का? मैं मुझे शौक ही नहीं है मतलब इस तरह के मतलब खेलने का। अच्छा। तो मैं बस अपना काम से काम रखता हूँ और अपना मतलब काम करता हूँ। सुबह कौन जॉब करते हो आप बेटा? सुबह मैं मार्केट में जॉब करता हूँ, वहाँ कपड़े का काम करता हूँ मैं। हाँ। लेडीज कपड़े का। सीरियस पर्सनालिटी है, मस्ती वाला बच्चे होते। कितने साल के हो आप? मैं जो है 13 साल का। अच्छा, और कब से जॉब कर रहे हो? मैं जो है वहाँ पे 7 साल से जॉब कर रहा हूँ मैं। 7 साल से? जी। यानी कि 6 साल की उम्र से? जी। मेरा बलात् 6 साल का है। मैं उन्हीं के पास ही रहता हूँ और वहीं ही मतलब ज्यादातर वहीं रहता हूँ उनके पास। अच्छा, तो मैं बचपन से ही उनके पास आ गया था। अच्छा, तो उन्होंने आपको कपड़े का काम सिखाया। जब आप छोटे से थे 6 साल के, तब आप क्या करते थे? जब मैं जाके बैठता था दुकान पे मतलब के पहले जो मेरी वालदा, हम लोग पंजाब के रहने वाले हैं। जी जी। तो वहाँ से मेरे वालिद साहब का जब मतलब काम कम हुआ, काम नहीं कर सकते थे वो, तो हम लोग आए यहाँ पे जॉब के उसमें। अच्छा। तो मेरी वालदा जो है जॉब भी करती थी, तो मैं मुझे जो है इनके यहाँ छोड़ दिया था जहाँ मैं दिन में। अच्छा, आप इधर ही रहते थे? जी, मैं इनके पास ही रह रहा था। फिर इन्होंने मुझे पढ़ने का कहा, मैंने इनको पढ़ने का मना कर दिया, नहीं मुझे पढ़ना नहीं, मुझे कुछ कमाना है। ये था ना, तो कपड़े का काम उनके साथ सीखा, काम करना, तो वहीं पे मतलब मैं रह रहा था। उसके बाद शौक नहीं है तुम्हें? नहीं, मदरसे जा रहा हूँ बस। हाँ जी, थोड़ा नाम लिखना या कुछ ऐसे जी, अपना नाम आता है। तुमने नहीं सोचा कभी कि पढ़ कर जो है तुम और ज्यादा बड़ा नाम पैदा कर सकते हो? नहीं, मुझे मतलब पढ़ने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। अच्छा। मदरसे मैं नाम वगैरह लिखना, मेरी टीचर है मेरे साथ आई है एक। हाँ, तो लेकिन अगर मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूं कि थोड़ा सा टाइम निकालो कि पढ़ने के ऊपर थोड़ा फोकस करो बेटा, आप बहुत नाम कमा सकते हो। आप तो मुझे बहुत ज़हीन लग रहे हो ना देखने में। मैं जो है अगर आपको मुझे मेरे प्रोग्राम से कोई स्पॉन्सर मिल जाए कि इस बच्चे को हम पढ़ाएंगे, तो क्या आप राजी हो गए पढ़ने के लिए? मैं ये कर सकती हूँ, मैं दो जॉब करता हूँ ना। तो आप, मैं आपको देखो एक बताती हूँ, हमारे प्रोग्राम बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, ठीक है ना। अगर वो कहें कि इस बच्चे की जो ये कमाता है, ठीक है, वो हम स्पॉन्सर करते हैं, वो हम इनको देते हैं इनके घर वालों को पैसे, और हम इसकी पढ़ाई का खर्चा उठाते, तो आप राजी हो? नहीं, मैं ऐसा नहीं लेना चाहता, मैं चाहता हूँ अपनी मेहनत से कम। अल्लाह अल्लाह। आपको पता है कनाडा में क्या होता है? कनाडा में आपको गवर्नमेंट उधार दे देती है कि आप पढ़ाई करो, जब आप कमाने लगो तो उसका एक यही होता है ना, उसका कुछ परसेंटेज कटता है सैलरी से आपकी, और वो जो उधार है वो चुकता होता है। नहीं, असल में अगर कोई ऐसी ऐसा आपके साथ शर्त बना ले। मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ मैं अपनी मेहनत से कमाऊँ और वो ही खाऊँ और घर वालों को। तो खुददार बच्चा। कितनी बहन भाई हैं आपके? मेरे 5 बहन भाई। आप सबसे बड़े? भाइयों में बड़ा हूँ मैं। 2 बहनें बड़ी हैं, एक जो है शादी शुदा है और एक के अभी होने वाली है। ओके, और उनकी शादी आपने कराई है? नहीं, बड़ी बहन की तो घर वालों ने कराई। अब्बू क्या करते हैं? अब्बू मासूर है, वो पंजाब में ही रहता है, यहाँ आ नहीं सकते वो। और अम्मी क्या करती हैं? अम्मी जो है एक जॉब करती थी। हाँ। तो फिर मैं ये भी बनाना आता था अम्मी को सामान ना, तो मैं जहाँ दिन में जॉब करता हूँ ना। हाँ। तो मेरा घर बहुत छोटा है जहाँ बन नहीं सकता ना सामान, तो मैं जहाँ दिन में जॉब करता हूँ, तो उन्होंने कहा कि जो है तुम्हारी अम्मी को जब ये सामान बनाना आता है तो वो बना ले वो, तो मैंने फिर ये बनाना बनवाया। दिखाओ तो भी तुम्हारे डोनट। मैं मेरे डोनट किसी बेकरी से या तो रिक्वेस्ट करूँ, है ना, सुपर डोनट्स के नाम से है ये। सुपर डोनट्स के अपने क्यूट छोटू से। हाँ, तो ये तुम अपने घर में बनाते हो या जहाँ काम करते हो? मैं जहाँ दिन में जॉब करता हूँ उनके यहाँ मेरी वालदा जाती हैं और वहाँ बनाती हैं। मैं तुम्हें शाउट आउट बना के दूंगी इसका, ठीक है ना। तुम्हारा पेज है कोई? मेरा सुपर डोनट्स के नाम से इसी का, बस उस पर मैं बना के दूंगी, तुम उस पर अपना मेरा शाउट आउट डालना, ठीक है भाई। सुपर कोई इश्तिहार बनाए ना तुम, क्रिएटिव हो जरा, बताओ दनादीर हम क्या है ना। हाँ, हम कुछ कुछ कंटेंट सोचते हैं ना, बस मजे उड़ाओ, पार्टी करो, सुपर डोनट्स खाओ, इस तरह का कोई कंटेंट हम सोचते हैं जी। फिर तुम्हारे पेज पे डालेंगे, वो भी तुम्हें सपोर्ट करेगी, जो भी कर सकता है, ठीक है ना जी। तो बस तुम मुझे वादा कर लो ना, थोड़ा पढ़ लो ना, पढ़ने का मेरी जो मतलब जहाँ मैं दिन में जॉब करता हूँ उनकी एक बेटी है छोटी, तो वो ज़ैनब उनके टीचर है, वो मेरी वही पढ़ाती है। कितनी बड़ी है वो? वो तकरीबन 8 साल की है। 8 साल की टीचर है जी इनकी जी। अच्छा। और वो खुद भी अभी हिफ्स कर रही है, वो भी आई है मेरे साथ। अरे, तो अपनी टीचर से तो मिलाए जरा, कहाँ है आपकी टीचर? मिले तो भाई हम मतलब लाइक दुनिया की सबसे छोटी टीचर से मैं आपकी मुलाकात करा रही हूँ, जो के जिनके स्टूडेंट, इधर आइए भाई। ओह माय गॉड, लुक एट हर, क्यूट। बैठो बेटा, क्या नाम है छोटी टीचर आपका?
जैनब ने इनको नाम लिखना सिखा दिया। और जैनब क्या क्या सिखाने वाली है? यहाँ यहाँ पे रखो जैनब माइक। और अब क्या सिखाने वाली हैं जैनब? मेरी छोटी बहन है वो भी स्कूल में अब जा रही है ना, तो वो उनको भी पढ़ा रही है। यार मतलब लाइक ये हमारे बच्चों को ये होना चाहिए कि स्कूल की तरफ से ये प्रोजेक्ट होना चाहिए। सीरियसली मैं स्कूल अगर देख रहे हैं मुझे, तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप जो बच्चों को प्रोजेक्ट्स देते हैं ना, ये आर्ट बना के लाओ, वो बना के लाओ, ये प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स देना शुरू करें, ताकि बच्चों को पता चले कि हमें आगे दुनिया में और करना क्या है। बाकी सारी चीज़ें जो हैं इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे, ब्रेक के बाद हमारे पास कौन आने वाले हैं? ब्रेक के बाद हमारे पास एक ऐसा दिल है जो इतना छोटा मासूम दिल है, जो अभी से अपने अंदर इतनी हमदर्दी दुनिया के लिए रखे हैं। मुझे लगता है दुनिया का सबसे छोटा सोशल वर्कर है ये। इनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि हमारे शो में आज मज़ेदार वाली पारी हो रही है। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारे शो पे आज ऐसे लोग हैं जो दूसरों से अपने आप को मुनफरिद करते हैं, अपने टैलेंट से, अपनी एजुकेशन से, अपनी मेहनत से, और शायद दुल्हन बनने से। एक ऐसा बच्चा हमारे पास मौजूद है जिसका दिल इतना नर्म और वो इतना सोचता है दूसरों के बारे में कि मुझे लगता है कि वो दुनिया का सबसे छोटा सोशल वर्कर है। आइए मैं उसको अपने शो पे ऐसे सेलिब्रिटी बुलाऊंगी, अच्छी से जान लें और फिर उससे गपशप करते हैं। अरे वाह भाई, ये तो मुझे पता ही नहीं था कि ये जो बच्चा सोशल वर्कर, जिसको मैं यंगेस्ट सोशल वर्कर कह रही हूँ, जिनका नाम है हसन अदील, ये हमारे ARY के एम्प्लॉय हैं अदील साहब, उनका बेटा है। अरे वाह भाई, चलो भाई भांजे आ जाओ, हसन अदील को वेलकम करते हैं जी हमारे शो पे, यंगेस्ट सोशल वर्कर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आइए भाई तशरीफ रखिए। कितने साल के हैं आप? मैं 11। 11? और ये तो NGO बना डाली आपने भाई। अदील हसन, ये कैसे शुरू हुआ, कैसे सिलसिला शुरू हुआ कि मैंने ये काम करना है? 11 साल तो बहुत छोटी एज होती है। बस आप ही, अब जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, हाँ, तो उस दिन एक्चुअली जो मेरा घर है वो एक बारौनक जगह पे। अच्छा। बस उस दिन मेरे पता नहीं दिल को क्या होने लगा, अजीब सी कुछ हो रहा था, बस दिल में कुछ हो रहा था। हाँ। वो मुझे पता नहीं क्या, बस अल्लाह कुछ करवाना चाह रहा था, मुझे डेली वेजेस वालों का दर्द समझ आ रहा था। हाँ। बस मैंने अपनी मामा को बोला कि आप दाल बना दें, मुझे कुछ हो रहा है, बस आप ज्यादा लोगों के लिए दाल बना दें। तो उन्होंने एक बड़ा सा पतीला निकाला, उसमें उन्होंने दाल बना ली। हाँ। मैंने अपने बाबा को कॉल किया कि आप ऑफिस से वापसी में रोटियां ले आइएगा। अच्छा। तो वो अराउंड 100 से, बाबा ने नहीं पूछा कि कितनी रोटियां? नहीं, उन्होंने पूछा, उन्होंने बोला क्या दावत हो रही है घर में? हाँ। तो मैंने बोला नहीं दावत नहीं है, बस आप ले आए, कुछ करना है। वो 100 से अबव रोटियां ले आए। जब वो घर लाए हैं, दाल रेडी थी, तो जो छोटी छोटी शॉपर्स होती है उसमें हम लोग ने वो पैक की, एक कार्टन में हम लोग ने वो सब भरा, खुद ही अम्मी अब्बू और आपने? हाँ, हमने भरा और वो हम लोग बांटने निकल गए। अब हम बांट रहे हैं तो वो लोग जिस तरह से ले रहे थे, उन लोगों के जिस तरह से टेंशन थी कि दुकानें बंद हो गई, कल क्या होगा, कल हमारा, हम लोग अपने बच्चों को जाके घर में खाना कैसे देंगे, हम क्या करेंगे, तो बस वो मुझे समझ आ रहा था कि कुछ तो हो रहा है। और छुट्टियां भी थी स्कूल की, करते हैं क्या भाई। बस तो वो जैसे ही मैंने, आखिर के कुछ दो अंकल्स रह गए थे, हाँ, तो मैंने उनको एक दाल निकाली, एक रोटी निकाली, मैंने उनको दी, तो उन्होंने ये प्रॉपर यूँ हाथ जोड़े और उन्होंने बोला कि आप एक और दे दें, मुझे अपने बच्चों के लिए लेके जानी है। मुझे समझ नहीं आई क्या, बस मैंने दे दी दूसरी निकाल के। हाँ। हम लोग आगे गए तो इसी गाड़ी लेके, बस तो 3-4 घर छोड़ के ही वो भी बाहर फुटपाथ पे बैठे थे, तो मैं उनके पास गया, तो वो जो है मैंने उनको दी, तो वो आखिरी रोटी थी तो वो ठंडी हो गई थी। आई आई। तो उनके बराबर में एक नलका था, उन्होंने वो खोला, उससे वो रोटी गीली की, उसी रोटी से अपने हाथ धोए। हाँ। और उससे दाल खाई। मैं रात में घर आया, मुझे बहुत टेंशन होने लगी, मैंने बोला क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। इवन दो मुझे उस टाइम पे लॉकडाउन का भी मतलब नहीं पता था, मुझे ये लगा कि लॉकडाउन का मतलब होता होगा कर्फ्यू या कुछ ऐसी चीज, बस समझ नहीं आया। मैं लेटा हुआ हूँ, बस उस रात में सो गया। नेक्स्ट डे जब मैं उठा तो मैं अपनी मामा के पास फिर से गया, मैंने बोला मामा आज आप फिर से दाल बना लें।
तो उन्होंने बोला कि बेटा मैं रोज़ रोज़ कैसे दाल बनाऊँ, घर की ग्रॉसरी होती है और घर का खाना बनाना होता है, सब करना होता है, तो मेरे लिए तो ये बहुत हार्ड होगा। बस अब मैं टेंशन में बैठा हुआ हूँ, मैं इसी तरह यूँ करके अपने सोफे पे बैठा हुआ हूँ तो मेड आई मेरे पीछे और उन्होंने यूँ किया मुझे। जैसे ही उन्होंने यूँ किया मैंने मुड़ के देखा, मैं बोला जी क्या हुआ? तो उन्होंने मुझे एक 500 रुपीस की नोट दिया और उन्होंने बोला आप अपना भाई मेड ने जी। बस वो मेरा टर्निंग पॉइंट था। गरीब गरीब कदर समझ सकता है, देखो ना। तो फिर उन्होंने तुम्हें 500 दी और तुमने क्या कहा कि फिर तुमने क्या किया उस 500? मुझे समझ नहीं आई, मैं उस वक्त भी घबरा रहा था। मैंने बोला 500 क्यों, मुझे तो खाना पकवाना है ना, खाना पका दे। बट मैं टेंशन में हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। शाम में मेरे बाबा घर आए तो उस वक्त ऐलान हुआ कि कल से बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होने वाला है। ओके। तो नॉर्मली जब लॉकडाउन नहीं होता था, इवन तो आपकी फैमिली में भी ऐसा होगा, हर फैमिली में ऐसा होता है कि हम मैक्स से मैक्स भी 2 ट्रॉलीज लेते होंगे किसी भी सुपरमार्केट से। मगर जिस सुपरमार्केट में हम गए लॉकडाउन के डर से, हम लोग ने टोटल 3 ट्रॉलीज ली पूरी भर भर के, मतलब साथ एक्स्ट्रा ले लिया, बहुत ले लिया कि अब पता नहीं कि शॉप्स बंद हो जाए कुछ हो जाए। तो बस वो हम बाहर आ रहे थे तो जो हमारे पोर्टर्स होते हैं वो जो हमारी ट्रॉलीज लेके जाते हैं, मैंने अपनी मामा से पूछा कि मामा क्या ये सुपरमार्केट वाले इन लोगों को ग्रोसरी देते होंगे? तो मेरी मामा ने बोला नहीं हसन। तो मैंने बोला मामा मुझे कुछ करना है। हम जब घर आए तो मेरे बाबा और मामा ने दोनों ये बात डिसाइड की कि हसन यू कैन स्टार्ट एन एनजीओ। और फिर हमने नाम डिसाइड किया और बस अब आपके सामने। नहीं तो कैसे हुआ, क्या किया तुमने? तुम घर घर गए, मोहल्ले गए, बेल बजाई, जैसे होता था ना हम बचपन में कहते थे अंकल हमने से भील लगानी है चंदा दे दें या कुछ ऐसा, मतलब लाइक करते थे। तो तुमने क्या किया एक्चुअली? कोविड का भी तो डर था, आप जगह जगह जा भी नहीं सकते। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं एक सीवियर एस्थमेटिक पेशेंट हूँ और एवरी ईयर मैंने तकरीबन पूरे मंथ हॉस्पिटल में रहना पड़ता ही है, नेबुलाइजिंग होता हूँ, मेरी मेडिकेशंस चल रही होती हैं। कोविड थोड़ा ना डेंजरस था, बहुत डेंजरस था। बट वो मुझे एक जैसे उन्होंने एनजीओ को बोला तो मुझे एक खौफ था कि शायद वो बोले कि हम तुमने तो बाहर ही नहीं जाने देंगे, हम खुद जाके बांट के आ जाएंगे। बस वो मुझे खौफ था, मैं बस वो मेरी ख्वाहिश थी एक्चुअली। हमारे पूरे खानदान में जो है ये काम चलता रहता है और गरीबों की मदद किसी भी तरह से होती रहती है। इट रन्स इन द फैमिली ना, यस, वो तुम्हारे अंदर आई चीज। तो बचपन से तुमने देखा था अम्मी अब्बू करते रहते थे या मैं देखता रहता था? मामा बाबा दोनों करते रहते, दोनों। ये मतलब लाइक बच्चों के अंदर ये फिर पेरेंट्स से आता है। तो फिर अब तुमने क्या सोचा है, अभी पढ़ाई भी करनी है, उसका भी दिमाग लगाना है उस पर भी, तो तुम कैसे करोगे ये सब कुछ? पढ़ाई चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर मेरी ये ख्वाहिश है कि इवन दो मेरे मरने के बाद भी ये काम चलता अभी रहे। 11 साल क्यों, कैसी बातें कर? बस फिर भी मेरी ये ख्वाहिश है और पाकिस्तान के लिए काम करना है। स्कूलिंग मेरी अभी भी चल रही है मगर अभी आप जानती हैं कोविड की वजह से हमें वीक में 2 डेज जाना पड़ता है और बाकी 3 डेज ऑनलाइन हो रही होती है। तो मैं उन चीजों को भी एडजस्ट करके अपनी एनजीओ चला रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे सच्ची सच्ची बात बताओ, देखो अब पढ़ाई तो आ गई अपनी जगह पे, ठीक है ना, आप ऑनलाइन होती है या फिजिकल अपीयरेंस देनी पड़ती है, तुम क्या चीज को अपनी कुर्बान कर रहे हो उस मतलब क्या वो टाइम जो है तुम्हारा क्रिकेट खेलने का, फुटबॉल का, क्या वो टाइम है जिसमें तुम जो इन्वेस्ट कर रहे हो तुम अपना एनजीओ में? मुझे ऐसा नहीं लगता मैंने अभी तक कुछ भी इन्वेस्ट किया। हाँ, मैंने सिर्फ अपना प्यार इन्वेस्ट किया, मेरी ये ख्वाहिश है और बस मैं करता हूं। कौन है भाई, ये तो पॉलिटिशियन बनेगा बड़ा होकर। ये तुमने बोलना कैसे सीखा, ये ऐसे ही बोलते थे तुम शुरू से? बस मुझे तो लग रहा है मैं किसी सियासतदान से इंटरव्यू ले रही हूँ, ये घड़ी और ये ऐसा लग रहा है कोई बड़ा आदमी बैठा है, तुम्हारे पेट में दाढ़ी है। हाँ, तो अभी तुम्हें कौन हेल्प करता है? जैसे सबसे पहले तुम्हारी मेड ने तुम्हारी हेल्प की, उसके बाद मेरे मामा बाबा ने हमेशा मेरा साथ दिया। आप समझे, इवन दो आपके भी और यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं सबका एक डायरेक्टर होता है, एक प्रोड्यूसर होता है और एक असिस्टेंट होता है। तो मेरी डायरेक्टर मेरी मामा थी, मेरे प्रोड्यूसर मेरे बाबा थे और मेरी असिस्टेंट मेरी बहन थी। और इवन दो आज मेरी मामा की बहन है तुम्हारी, तो मेरी 2 बहनें हैं, छोटी और बड़ी, इंक्लूडिंग मी 3 सिबलिंग्स। एक बड़ी है मुझसे जो यूनिवर्सिटी में है और एक मुझसे छोटी है। ये जो भाई का काम होता है वो तो बहनों को तंग करना होता है। बीच में पिस गई हूं, पिस गए हो, बहनों को तंग करना होता है, लेकिन इस भाई ने तो अपना दिमाग बड़े अच्छे तरीके से लगा लिया है ना। बिल्कुल। अच्छा, जब तुम स्कूल गए और टीचर्स को तुम्हारी ये सारी जो कार्रवाई तुमने की है लॉकडाउन में ये पता चली, तो टीचर्स ने क्या कहा? टीचर ने सबसे पहले तो आके हमसे बोला बिग फैन, एक पिक्चर ले लेते हैं। अरे तो बस बाप रे, प्राउड फीलिंग थी भाई, टीचर पिक्चर ले रही है। ओह माय गॉड। तो वो बस स्कूल में भी मैं हमेशा से आगे था और फिर लंच टाइम के वक्त बच्चे गोद में उठा लेते थे के बस। वाह भाई, क्या कहते थे बच्चे?
हसन हसन भूखे नहीं सोएंगे जिंदाबाद, भूखे नहीं सोएंगे हसन, और नारे लग रहे होते थे ये बस। अरे बापे हसन हसन, वैसे तुम्हारा आगे क्या मोटिव है, क्या मतलब फ्यूचर प्लान्स क्या है हसन के? मेरी एक दिल से ख्वाहिश है कि मैं बड़ा होकर एक क्रिकेटर बनूं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूं। हाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी क्रिकेट खेलूं, मेरी ये ख्वाहिश है। और एनजीओ को मैं किसी भी हालत में कंटिन्यू रखूं, मुझे एनजीओ नहीं रोकनी। भूखे नहीं सोएंगे, नहीं सोएंगे जिंदाबाद, भूखे नहीं सोएंगे जिंदाबाद। मुझे पाकिस्तान से टू बी ऑनेस्ट इतना प्यार है कि मैं पाकिस्तान के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकती हूं। ओह माय गॉड, ये लेकिन अगर तुम्हें ऑफर आ जाए भाई कि ये तो इतना हुब्बुल वतन बच्चा है कि तो आर्मी में आना चाहिए, फोर्सेस में इसको आना चाहिए, ऐसे ही तो बच्चों की ज़रूरत है हमें। मैं बिल्कुल हमेशा इस चीज़ के लिए आगे रहूँगा, बट मैं उनको एक बात बोल दूंगा कि चाहे मैं आप लोगों को जितना भी टाइम दूँ, मुझे अपनी एनजीओ को भी उतना ही टाइम देना है। अच्छा देखिए, ये बच्चा आपने देख लिया, इसका बचपन इतना मच्योर है। दना नील का बचपन कैसा था, ज़ारा तुम्हारा बचपन कैसा था? मेरा बचपन तो I was the naughtiest child in my family. अच्छा। I was so so naughty. मैं मिट्टी बहुत खाया करती थी। पेट में कीड़े। बहुत ज़्यादा मिट्टी खाती थी। Like मेरा इस तरह होता था कि अगर मैं घर में नहीं मिल रही ना कहीं, तो मुझे आनी को पता होता था, मम्मा को पता होता था कि किसी गमले के साथ बैठी हुई है और ये खाना खा रही है। वाकई तुमने पकड़ा है इसको मिट्टी खाते हुए? बहुत। और इसका बचपन मेरे से बिल्कुल ऑपोजिट। अच्छा। She was such a calm, you know, princess child. I was the exact opposite. मैं पूरा दिन घर से बाहर रहती थी और मगरिब पे मेरी अम्मा चीख रही होती थी कि घर आ जाओ घर आ जाओ, बस खेलती रहती थी, क्रिकेट खेलती रहती थी मैं बचपन में, जो स्पोर्ट्स झूले, पूरा दिन मंकी बार्स पे लटकना, खेलना कूदना, चीखे मारना पूरी कॉलोनी में, फिर जो है आवाजें, जब रोने की आवाज आती थी ना पता था ज़ारा रो रही है, साइकिल से गिर गई है। फिर मेरी बहनें भागती आती थी, उनकी शामत लगती थी मामा के ख्याल नहीं रखा बहन का। ज़ारा ये भी तो होता था ना कि लाइक मेरी पोजीशन आनी चाहिए और अगर मेरे जरा से भी नंबर कम आ गए तो रोना धोना होता, तो कोई सीन क्रिएट होता था घर में? बचपन में बहुत रोया करती थी, अगर कभी सेकंड आ गई थर्ड आ गई, ओहो बाबा क्या कहेंगे मामा क्या कहेंगे, लेकिन वो खुश रहते थे। हाँ। तो उस तरह से मतलब अपना तो फिर इंसान इमोशंस जो थे मेरे तब भी ऐसे ही थे कि मुझे फर्स्ट ही आना है। जीतने का शौक होता है ना, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो तो इतना स्ट्रेस ले लेते हैं, उनको कौन कौन सी वो बीमारियां लगा लेते हैं इस चक्कर में। नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं, स्ट्रेस नहीं, मैं हमेशा पॉजिटिव रहने में बिलीव करती हूँ। हाँ। तो अगर मुझे हो ना कि मैंने फर्स्ट आना भी है तो मैं टेंशन लेके नहीं करूंगी, मैं कहूंगी ओके इसके लिए स्ट्रेटजी क्या बनाई जाए। अच्छा अच्छा ऐसे करते हैं, इतना टाइम मैं पढ़ लूंगी, इतना टाइम मैं सो लूंगी, इतना टाइम मैं मेकअप कर लूंगी, इतना टाइम मैं बाहर चली जाऊंगी। अच्छा कोई पाकिस्तानी ड्रामे वगैरह देखते हैं आप लोग? अच्छा मैं ड्रामा नहीं देखते। नहीं तुम लोग देखते हो? नहीं तुम कोई देखते हो ड्रामा? अर्तुगरुल। अरे बाप रे ये आ गया जी अर्तुगरुल। हाँ भाई तुम यासिर भाई के देखते हो? क्या देखते? अरे भाई मेरा दिल मेरा दुश्मन, ये वो मियां बीवी वाले ड्रामे देख रही होती है ये, वो वही चल रही है। बहुत बड़ी फैन हूँ यासिर भाई की और उनके डायलॉग भी मुझे याद हो जाते हैं, मैं तो अपने दिल में कितना क्यूट है ये। हाँ हमसे पूछो कितने क्यूट है। तो जी ये था हमारा आज का शो, हमारी पार्टी आपको कैसी लगी, ऐसी पार्टी जिसमें हर तरह की चीजें मौजूद थी, और थैंक यू सो मच आप लोगों का, दाना आपका, ज़ारा आपका, हसन दुल्हन जी आपका, जुम्मा दुल्हन और आपका भी, वो जो बच्चा है उसका भी जो बहुत मेहनती बच्चा है अब्दुल वारिस। तो जी ये था हमारा आज का शो, मैंने बहुत इन्जॉय किया, इन सब से मैंने इतना कुछ सीखा है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत कुछ अपने गेस्ट से सीखने को मिलता है। उम्मीद है आपने इन सब की कोई ना कोई अच्छी बात पिक की होगी आज और अपनी ज़िंदगी पे प्रैक्टिकली अप्लाई करें, देखिए जिंदगी आपकी बन जाएगी पावी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। कल तो जुमेरात है ना, नहीं आज जुमेरात है, कल जुम्मा है, फिर तुम दुल्हन बनोगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।